हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं मॉडर्न मेथड्स का पार्ट, परफॉर्मेंस अप्रेजल से रिलेटेड। पिछली वीडियो में हमने ट्रेडिशनल मेथड्स का पार्ट कवर कर लिया था और परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेप्स भी कवर किए थे, यानी एक प्रोसेस के पूरे स्टेप्स कवर किए थे। टोटल 6 स्टेप थे। उसके बाद हमने ट्रेडिशनल मेथड कवर किया था जिसमें 11 मेथड्स थे। अब और कोई मेथड आते हैं नए, जो कि पास्ट ईयर के MCQ जब मैं कवर कराऊंगा तो उस वक्त मैं आपको थियोरेटिकली प्रोवाइड करा दूंगा और उस वक्त भी आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा अगर कोई नया मेथड आएगा तो। अब मॉडर्न मेथड्स में, आज के मेथड्स में 5 मेथड्स आएंगे। MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। थर्ड जो आएगा वो आएगा 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। फोर्थ आएगा असेसमेंट सेंटर और फिफ्थ आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। तो सबसे पहले आज क्या देख रहे हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। देखो, आपने पिछले जितने ही पार्ट देखे उसमें क्या थे, ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव सेट होते थे, ठीक है। पर उसके लिए हम क्या करते थे, एक तरीके से इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो भी है उसकी परफॉर्मेंस को देखते थे, जो भी हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है उसके हिसाब से। और लास्ट में जैसे एक तरीके से जो भी डेविएशन था उसको करेक्ट करने का प्लान बनाते थे, जो मैंने आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल की प्रोसेस में बताया। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मेथड थे। वैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स बोल रखा है तो आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव या कॉमन गोल तो आपको सेट करने ही है, पर साथ साथ आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी सेट करने हैं। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं, वैसे ही उस पर्टिकुलर पर्सन को, इंडिविजुअल पर्सन को भी एक ऑब्जेक्टिव दे दिया जाएगा कि आपको ये पूरा करना है, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी दे दिए जाएंगे उन्हें। या हम बोल सकते हैं यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे। जैसे कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ, पर वैसे पर्टिकुलर क्या होगा, स्टेप्स में भी आपके आ ही जाएंगे। तो मान लो कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, आपको मार्केट का लीडर बनना है, आपको टॉप 10 कंपनीज में आना है पर्टिकुलर, ये आपका एक तरीके से ऑब्जेक्टिव हो गया। तो उस केस में जो डिपार्टमेंट हो गए, मार्केटिंग हो गए, सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। तो उनको आपने अलग अलग टारगेट दे दिए, ठीक है, अलग अलग ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिए, तो वो भी तो यूनिट वाइज या इंडिविजुअल हो गए। तो जब आपको पता है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स जब एक साथ मिलकर काम करेंगे, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी सेट हैं और साथ में आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी सेट कर दी गई है, ऑब्जेक्ट सेट कर दिए गए हैं, तो उस केस में आपका क्या है, साथ साथ परफॉर्मेंस का रिव्यू भी हो रहा है और जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके हिसाब से देख रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस सही हुई है या नहीं हुई। तो परफॉर्मेंस को अप्रेस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, उसके बाद अगर परफॉर्मेंस सही हुई है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुई है, उससे अच्छी हुई है, तो उस केस में आपका ट्रांसफर, प्रमोशन या रिवॉर्ड जो भी मिलेगा। अगर नहीं हुआ तो आपको एक तरीके से प्रॉब्लम बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, नहीं तो वही डिमोशन कर देंगे या हटा देंगे जॉब से, जनरली यही पार्ट है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में शुरू में यही बोल रखा है कि MBO रिप्रेजेंट ए मॉडर्न मेथड ऑफ इवेल्यूटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ पर्सोनल, ठीक है। अगर ये बोलेगा कि पुरानी अप्रोच होती ट्रेडिशनल वाली, उसमें जनरली क्या होता था, रेटर क्या करता था, बायसनेस करता था बहुत ज़्यादा, ठीक है, अनफेवरेबल जजमेंट देता था, जिसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्टिक जजमेंट। एंटागोनिस्टिक जजमेंट मतलब, मैंने जानबूझ के ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि नहीं तो मुझे फिर बताना पड़ता है, अनफेवरेबल या बायस जजमेंट जनरली देता था। तो वो कौन देता था, रेटर, या जिसको हम एवल्यूटर बोलते हैं, या उसकी जगह आप सुपरवाइजर भी बोल सकते हो, क्योंकि सुपरवाइजर का ही लिंक किससे होता है, ज़्यादातर एम्प्लॉय से लिंक होता है। तो सुपरवाइजर, रेटर, मैनेजर कुछ भी बोलिए, क्योंकि अगर छोटा बिजनेस है तो मैं बोलूँगा कि मैनेजर ही क्या होगा, रेटर होगा, लेकिन बड़ा बिजनेस है तो वो अलग से क्या करेगा, एक सुपरवाइजर को अपॉइंट करेगा और उसको बोलेगा कि आप रेटर बन जाओ और आप पर्टिकुलर क्या करो, रेटिंग दो। अब वो अलग अलग टेक्निक्स फॉलो करेंगे जो कि मैंने आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल के स्टेप में बताया था, ठीक। तो ये बायसनेस बहुत ज़्यादा होती है, जो कि आप लिमिटेशन में भी देखोगे अभी, पर बोल रहा है कि धीरे धीरे क्या हुआ, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में आपस में रिलेशनशिप धीरे धीरे तय होने लग गया, वर्कलोड बढ़ गया, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ बढ़ गई। तो उस केस में क्या हुआ, हम बोल सकते हैं कि सबऑर्डिनेट्स अपने आप ही क्या करने लग गए, काम करने लग गए, उनका बिहेवियर धीरे धीरे क्या हो गया, सुधरने लग गया, एक तरीके से वो सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करने लग गए। तो उस केस में कॉन्सेप्ट क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसलिए जनरली सुपीरियर क्या करता था, यानी जो भी सुपीरियर पर्सन है, हायर पर्सन है, अथॉरिटी वाला, वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ क्या करता था, मिलके जो भी पर्टिकुलर कॉमन गोल है उसको लेकर काम कर रहा है, यही काम कर रहा है। तो वो साथ साथ क्या कर रहा है, उस सबऑर्डिनेट्स को इंडिविजुअल गोल भी दे रहा है। तो उनको क्या बोल रहा है कि आप क्या करो, सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज करो, जो भी अपनी परफॉर्मेंस का बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग। तो बोला, दिस वुड इनएविटेबली एनेबल सबऑर्डिनेट टू एक्सरसाइज सेल्फ कंट्रोल ओवर देयर परफॉर्मेंस बिहेवियर। तो जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, यानी सबऑर्डिनेट परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसको एक तरीके से सही दिशा में लेके जाना है। तो उसके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी तय कर लिए, ताकि एक तरीके से उसमें भी डिसीजन मेकिंग की अप्रोच आ सके, उसको एक तरीके से पहले से ही अपना गोल पता है और उसी के बेसिस पे वो काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल दिया, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, पीटर एफ ड्रकर ने 1954 में।
इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस वेयर बाय द एम्प्लॉयज एंड सुपीरियर्स कम टुगेदर टू आइडेंटिफाई कॉमन गोल्स द एम्प्लॉयज सेट देयर गोल्स टू बी अचीव्ड. देखो आ गया ना, द एम्प्लॉयज सेट देयर गोल्स टू बी अचीव्ड, तो मतलब इंडिविजुअल गोल भी सेट हो गए कॉमन गोल के साथ, मतलब ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ. द स्टैंडर्ड्स टू बी टेकन एज द क्राइटेरिया फॉर मेजरमेंट ऑफ देयर परफॉर्मेंस. सीधी सी बात है, आप तो हर बार आपको बताया कि स्टैंडर्ड तो शुरू में सेट होते ही होते हैं, याद रखना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या, हमें वहाँ तक पहुँचना है. तो हमें पता है कि पर्टिकुलर, मैंने आपको बोला देखो एक कंपनी है, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है. मैं बोल सकता हूँ कि उसको टॉप 10 कंपनीज में आना, मैंने आपको ये बोला. उसका कैश फ्लो उसको क्या करना है आने वाले, यानी अगले साल में उसको कैश फ्लो अपना करना है, मान लो 100 करोड़ करना है, क्योंकि बड़ी कंपनी है मान के चलो इस तरीके से, ठीक है. उसको इंटरनेशनली सेल कितनी बढ़ानी है, 15% बढ़ानी है. उसका ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट कितना बढ़े, 15% बढ़े, 20% बढ़े. तो ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो गया ना, ठीक है. अगर हम क्या बोलेंगे, यूनिट वाइज बोलेंगे, मतलब एम्प्लॉई के हिसाब से बोल दो या यूनिट वाइज अच्छा रहेगा, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट आ गया. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि यार हमको क्या मिले, हर महीने है ना 2000 लीड मिले, यानी 2000 पर्सन एक तरीके से इंक्वायरी करने आए हमारी कंपनी के बारे में पूछें, ठीक है. हमारे मार्केटिंग एफर्ट से कंपनी का रेवेन्यू 30% बढ़ जाए, हमारे मार्केटिंग के एफर्ट से, सेल्स नहीं, मार्केटिंग के एफर्ट से, ठीक है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम कितनी कमा के दें, 10% कमा के दें. हमारी सोशल मीडिया की फॉलोइंग कितनी हो जाए, 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, इस तरीके से बोल दिया, ठीक है. वेबसाइट हमारी विजिट कर रहे हैं लोग, तो वो क्या करें 20% से बढ़ जाए, ये भी ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो इस तरीके से हो गए. सेल्स से रिलेटेड क्या होगा, सेल्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि एक तरीके से हमारे जो कस्टमर है ना, जो हमसे सेल कर रहे हैं, तो हमारे पास जो बुकिंग आए वो कितने आए, 100% पर मंथ आए. पहले कितनी आती थी, 60% आती थी, 70% आती थी, अब 100% आए पर मंथ, ठीक है, 200% पर मंथ है. इस तरीके से आप सोच रहे हो, या आपको जो पैसा रिकवर होता है, सेल डिपार्टमेंट क्या सोच रहा है कि जो पैसा रिकवर होता है वो 6 महीने में होता है, तो उसकी साइकिल कम होकर 4 महीने में पैसा रिकवर हो जाए. तो इस तरीके से वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होगा जो यूनिट वाइज हो सकते हैं, ठीक है. तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो शॉर्ट में नहीं, डिटेल में बता रहा हूँ, ताकि आपको मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो, ठीक. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड. लास्ट में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड तय हुए उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस हुई है उसके बेसिस पे देखेंगे कि इंडिविजुअल ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है. उसके बाद देखेंगे कोई गलती हुई है तो डेविएशन हुआ है उसको सही करने की कोशिश करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे. तो वही पार्ट इसमें बोल रखा है, ठीक. तो सेम आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल की तरह. अब देखो इसके फीचर्स दे रखे हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के, तो इसको बाद में देखेंगे, सबसे पहले स्टेप देखेंगे, तब जाके आपको फीचर समझ में आ जाएंगे. अब स्टेप जो चालू हो रहा है वो यहाँ से चालू हो रहा है. देखो, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन गोल, डिफाइन एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, प्रोवाइडिंग फीडबैक, फिर उसके बाद वापस से चालू हुआ प्रोसेस. तो यहाँ तक का पार्ट आया आपका, तो यही पार्ट हमने यहाँ पे स्टेप में कवर कर रखा है. तो सबसे पहला कौन सा आपका, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. देखिए सबसे पहला तो वही मैंने आपको बताया था, डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुरू में कोई गोल सेट करना ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया मार्केट लीडर बनना है, ठीक है. चलो एक और बोल सकता हूँ कि फॉर्च्यून 500 कंपनी आपने सुनी होगी, तो उसके अंदर हमें आना है, ठीक. ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा डेट टू असेट रेशियो है वो हमें क्या करना है, एक तरीके से कम करना है, यानी डेट का पार्ट इतना ज़्यादा ना रहे, या उल्टा बोल दो एसेट टू डेट रेशियो ज़्यादा रखना है, थोड़ा एसेट का पार्ट ज़्यादा रहो. हमें अपनी ब्रांड प्रोफाइल को इंक्रीज करना है, तो ये भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं. तो बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल एक तरीके से सर्व करते हैं नंबर ऑफ पर्पजेज, अलग अलग पर्पज होते हैं, ठीक है. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग गोल होते हैं, उनको एक तरीके से क्या करना पड़ता है, अप्रोप्रिएटली मैनेज करना पड़ता है. यहाँ पे बोला नंबर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैनेजर मस्ट बी इन्वॉल्व्ड इन सेटिंग गोल्स. द गोल सेट बाय सुपीरियर्स आर प्रीलिमिनरी बेस्ड ऑन एन एनालिसिस एंड जजमेंट एज टू व्हाट कैन एंड व्हाट शुड बी अकम्प्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन विद इन ए सर्टेन पीरियड. तो एक पर्टिकुलर पीरियड सेट होगा, एक पर्टिकुलर प्लान बनेगा, उसके बेसिस पे ही गोल सेट होंगे, एक पूरा फ्रेमवर्क बनेगा. फिर उसके बाद बोल दिया कि एम्प्लॉय के ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर देना. देखिए इसमें यही बोल रहा है कि जैसे ही एम्प्लॉयज़ के मैनेजर्स को पता चल गया जनरल ऑब्जेक्टिव के बारे में, स्ट्रेटजीज़ के बारे में और प्लानिंग प्रमाइसिस के बारे में, ठीक है. तो एक तरीके से प्लानिंग का उनको बेस पता चल गया, सब कुछ पता चल गया फ्रेमवर्क के बारे में, उसके बाद क्या करेंगे, एक तरीके से वो एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे कि इंडिविजुअल उनको कैसे कैसे हमें ऑब्जेक्टिव देने, जो कि मैंने अभी आपको बताया, मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, सेल्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कि नए बुकिंग टारगेट कितने करने हमको, 100% पर मंथ चाहिए, ठीक है. सेल्स साइकिल को क्या करना है, 6 महीने की जगह 3 महीने करनी है. मार्केटिंग में क्या बताया था कि वो क्या बताया था मैंने कि 2000 नए पर्सन एक तरीके से क्या है, क्वालिफाइड लीड्स हमें मिले, जनरली ये बताया था.
और हमारे एफर्ट से, मार्केटिंग के एफर्ट से रेवेन्यू क्या हो जाए 20% 30% बढ़ जाए। और इसके अलावा वेबसाइट की जो ट्रैफिकिंग है, यानी वेबसाइट पे जो लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, आते हैं, वो बहुत ज़्यादा करने लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा करेंगे तो उस केस में कोई ना कोई तो सीधा सेल तो कर, यानी डिमांड तो करेगा ही करेगा, तो सेल भी बढ़ेगी। तो मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट एफर्ट करेगा तो उससे सेल भी क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी बढ़ेगी, तो आपस में एक साथ वो क्या करेंगे, काम तो करेंगे करेंगे। फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी है, मान लो वो क्या चाहता है कि एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिले, तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन इंडेक्स होता है, तो वो 80% हो, 90% हो, ऐसे हो। जो क्वालिटी रिटेंशन रेट है, मतलब एम्प्लॉय के हिसाब से हमें पता है कि एम्प्लॉय की क्या स्किल है, ट्रेट है, तो एम्प्लॉय की रिटेंशन रेट 97% रहे, 95% रहे, इस तरीके से। एम्प्लॉय का एंगेजमेंट बिजनेस में जो है वो 80% रहे, 75% रहे, इस तरीके से मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो बोल रहा था मैनेजर आस्क व्हाट गोल द एम्प्लॉय बिलीव दे कैन अकम्प्लिश इन व्हाट टाइम पीरियड एंड विद व्हाट रिसोर्सेज, कि हम उनको क्या रिसोर्सेज देंगे उसके बेसिस पे आप कितने टाइम पीरियड पे जो इंडिविजुअल आपके ऑब्जेक्टिव पूरे करोगे, क्योंकि जैसे ही वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल पूरे होंगे अपने आप क्या हो जाएगा, वो कॉमन गोल पूरा हो जाएगा, यही बोल रहा है। दे विल देन डिस्कस सम प्रीलिमिनरी थॉट्स अबाउट व्हाट गोल सीम फिजिबल फॉर द कंपनी और डिपार्टमेंट। देखो आ गया ना, तो ये बोल रहा है कि कौन से गोल फिजिबल हैं जो कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या कंपनी के लिए होंगे, तो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, थर्ड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस। ये बोल रहा है एमबीओ प्रोसेस इज नॉट ओनली एसेंशियल फॉर मेकिंग लाइन मैनेजर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव बट आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे ये नहीं बोला कि सिर्फ लाइन मैनेजर धीरे धीरे क्या हो उनमें स्किल जनरेट हो या बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सके, लेकिन साथ साथ एम्प्लॉय की भी परफॉर्मेंस देखनी और प्रोग्रेस देखनी है। तो उसके लिए बोल रहा है कि ये फॉलोइंग चीज़ें आपको रिक्वायर होगी क्या देखने के लिए, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए और प्रोग्रेस देखने के लिए। तो ये बोल रहा है कि जो भी इनएफेक्टिव प्रोग्राम है, जो एक तरीके से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट नहीं लेके आ रहे, तो उसको आप क्या करोगे, पहले से प्री इस्टेब्लिश ऑब्जेक्टिव जो भी आपने डिसाइड किया उसके साथ कंपेयर करोगे, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि ये काम के नहीं है तो उसको हटाने की करोगे प्रोग्राम को, और इफेक्टिव प्रोग्राम वापस लाने की करोगे। जीरो बेस्ड बजटिंग करोगे, ये बोल रहा है यूजिंग जीरो बेस्ड बजटिंग, यानी पास्ट ईयर के जो आपने देखे होंगे कि रिजल्ट आपके निकले हैं उसके बेसिस पे कुछ भी नहीं देखोगे, जीरो बेस्ड मतलब करंट से स्टार्ट करोगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो अमाउंट से आप बजटिंग स्टार्ट करोगे, तो आपको पास्ट ईयर के डेटा को देखने की जरूरत नहीं होगी, तो बिल्कुल शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। ये बोल रहा है जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब अप्लाइंग एमबीओ कॉन्सेप्ट फॉर मेजरिंग इंडिविजुअल प्लान्स, प्रिपेयर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव प्लान, इफेक्टिव कंट्रोल इंस्टॉल करेंगे, जिससे एक तरीके से जो हम काम देख रहे हैं पर्टिकुलर, हमें पता है कि देखो कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर जो पर्सन काम कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसके साथ साथ कोई पर्सन हम देखेंगे जो उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूट कर सके या परफॉर्मेंस को चेक कर सके। तो इफेक्टिव कंट्रोल रखेंगे ताकि कुछ भी डेविएशन हो जाए, जो भी हमने स्टैंडर्ड प्लान या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तय कर रखी है उसमें कुछ भी डेविएशन आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, सही करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से साउंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखेंगे विथ क्लियर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी एट अप्रोप्रिएट लेवल। फिर देखिए बोल रहा है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन करेंगे, जो कि जनरली कौन करेगा, आपको पता है कि अगर सबऑर्डिनेट्स है तो उनके क्या होंगे, मैनेजर होंगे कंसर्न डिपार्टमेंट के, तो एक तरीके से उनकी परफॉर्मेंस को देखेंगे कि पर्टिकुलर उन्होंने कैसा काम किया है, किसके हिसाब से, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो आपको पता है कि ऊपर मॉनिटर कर रहे थे, उसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव की तरफ पार्ट आ गया और आपको पता है कि पूरा काम हो गया, अब वो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए उसके हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ, तो वो एवोल्यूशन करना, चेक करना, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है, प्रोवाइडिंग फीडबैक, तो एक तरीके से जो काम हुआ है वो सही हुआ या नहीं हुआ उसका फीडबैक देना, और अगर उसमें कोई गलती भी है तो उस एक्शन को क्या करना, करेक्ट करना। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फाइनल इंग्रेडिएंट्स इन एन एमबीओ प्रोग्राम आर कंटिन्यूस फीडबैक ऑन परफॉर्मेंस एंड गोल्स डैट अलाउ इंडिविजुअल टू मॉनिटर एंड करेक्ट देयर ओन एक्शंस। तो कोई भी गलती है एक तरीके से उन्हें बताया जाएगा और ऐसे बोला जाएगा कि देखो यहाँ पे ये गलती है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है, आपने यहाँ पे ये पर्टिकुलर मिस्टेक कर दी, इस चक्कर में आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर मिस्टेक होगी, क्योंकि आपको पता है कि पर्टिकुलर पूरी रिपोर्ट बनती है, और साथ में जब क्या करते हैं एक तरीके से ऊपर मैंने बताया मॉनिटर करते जाते हैं, तो वहाँ पे गलती सुधारने का पार्ट किया जाता है, लेकिन एट द एंड काम तो किसको करना है, एम्प्लॉय को करना है, ठीक है। तो लास्ट में जो ऑब्जेक्ट पूरे नहीं हुए वो एम्प्लॉय की वजह से नहीं हुए, अगर उसको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्या है टिपिकल है तो उसको पहले ही बता देना चाहिए था, ठीक, कि ये पर्टिकुलर पूरे हो ही नहीं सकते, तो उस वक्त उसको शुरू शुरू में सेकंड स्टेप में बता देना चाहिए था। दिस कंटिन्यूस फीडबैक इज सप्लीमेंटेड by periodical formal appraisal meeting in which the superior and subordinate can review progress toward goals which lead to further feedback. तो अगर सही हुई approach तो उस केस में क्या होगा, छठा step performance appraisal की जाएगी, और सही नहीं हुआ
तो उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा और पर्टिकुलर उसको बताया जाएगा, एक तरीके से फीडबैक दिया जाएगा। तो ये बोल रहा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल आर ए रेगुलर रिव्यू ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ डन एट द लास्ट स्टेज ऑफ MBO प्रोसेस। उसके बेसिस पे रिवॉर्ड, ट्रांसफर, जो भी पार्ट है प्रमोशन, वो सारा पार्ट दिया जाएगा, नहीं तो डिमोशन, या एक तरीके से उसको समझाया जाएगा, उसको कुछ सजेशंस या राय, एडवाइस दी जाएगी। पर्टिकुलर ये पार्ट बोलो क्या। अब लिमिटेशन है, लिमिटेशन से पहले क्या देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। तो ये जरूर देखना इस टाइप का पार्ट, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, पहले तो आ चुका है वैसे तो मेरे हिसाब से, जब हम पास्ट ईयर के MCQs में कवर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अब देखो, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दे रखा है, स्टेप देखे, ऊपर पार्ट पढ़ा, सारे पार्ट वही हैं, बस चार पांच कुछ क्या है एक्स्ट्रा आ जाएंगे। देखिए यहाँ क्या बोल रखा है, टेक्निक एंड फिलोसॉफी ऑफ मैनेजमेंट, एक तरीके से तो मैनेजमेंट की टेक्निक है और इसके अलावा फिलोसॉफी है, क्योंकि इसके थ्रू पूरा का पूरा मैनेजमेंट एक तरीके से कवर हो जाता है, बोल दिया ना। तो फिलोसॉफी मैनेजमेंट को, अगर आपको क्या करना है पर्टिकुलर पूरे मैनेजमेंट को देखना है, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव को कवर कर लो, सब कुछ कवर हो जाएगा, ये बोल रहा है इसका मतलब। ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड परफॉर्मेंस रिव्यू आर मेड बाय पार्टिसिपेशन ऑफ द कंसर्न मैनेजर्स। अभी अभी अपने लास्ट स्टेप से पहले ऊपर देखा तो यही तो बोल रखा था, तो सेम लाइन ठीक। थर्ड, ऑब्जेक्टिव्स आर एस्टेब्लिश फॉर ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होंगे, तो मतलब टॉप भी हो गया, मिडिल भी हो गया और बॉटम या लोअर लेवल भी हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या बोल रखा है, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो एक तरीके से क्या है, इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंस सही करेगा और उसको ऑब्जेक्ट पता है, तो उस बेसिस पे अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे हो जाएंगे। फिर देखो ये मेन पार्ट, इट इज़ कंसर्न विद कन्वर्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इनटू ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आपको पता है कि पहले ऑर्गेनाइजेशन गोल सेट करे, एक पर्टिकुलर एक गोल, फिर उसको ही एलिमेंट में बांट दिया और इंडिविजुअली अलग अलग डिपार्टमेंट को सौंप दिया, और फिर उन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स ने मान लो क्या करा कि जो पर्टिकुलर एम्प्लॉई है उनको बता दिया कि देखो इंडिविजुअल आपको ये काम करना है, इंडिविजुअल आपको ये काम करना है, तो सबको अलग अलग ऑब्जेक्ट बता दिए कि आपको ये दिया जा रहा है। तो बोल रहा है इनटू ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसमें कर दिया, ऑन द प्रेजम्पशन दैट एस्टेब्लिशिंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव मेक्स एन एम्प्लॉई कमिटेड विच लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है, अब देखो ये कभी कभी लिमिटेशन भी हो सकता है, क्या पता एम्प्लॉई को लग रहा है कि ये तो वही तरीका हो गया कि हमको क्या है उल्टे, यानी कान जैसे बोल सकते हैं ना, सीधा नहीं पकड़ सकते, तो आप पीछे से घुमा के पकड़ोगे, बात तो वही बढ़ गई। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोल रखा है कि जानबूझ के हमको घुमा के ऐसी अप्रोच दे दी और हमको क्या कर दिया, हाई टारगेट्स दे दिए, वो हमको पूरे करने पड़ रहे हैं, तो बात तो वही बढ़ गई। तो कभी कभी लिमिटेशन भी हो जाती है, और एम्प्लॉय जरूरी नहीं है वैसे काम करे और मोटिवेट हो। छठा, बेसिक एम्फेसिस ऑफ MBO इज ऑन ऑब्जेक्टिव। तो बोल रहा है कि बेसिक एम्फेसिस किस पे, ऑब्जेक्टिव्स पे ही है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ट्राई टू मैच ऑब्जेक्टिव्स विथ रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज दिए गए हैं, क्योंकि एम्प्लॉय क्या बोलेगा, आप बोल रहे हो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पूरे करो, भाई हम प्रोडक्शन कब करेंगे, जब मटेरियल दोगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पर्सन क्या बोलेंगे जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर मटेरियल ही लेट आता है तो हम कहाँ से अपने ऑब्जेक्ट पूरे कर पाएंगे, तो आपके कॉमन गोल भी कहाँ से पूरे होंगे, कि जो आप सोच रहे हो कि इतनी हमें क्या करनी है, सेल्स बढ़ानी है, ठीक है, ओवरऑल हमको ग्लोबली सेल ज़्यादा करनी है, तो ग्लोबली कब कर पाओगे, जब आपकी जो डिमांड है आप वो पूरी कर पाओगे, तो उसके लिए आप प्रोडक्शन भी तो पूरा करो, जब प्रोडक्शन में मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे तो कहाँ से हो पाएगा। तो ये बोल रहा है। सेवन्थ, ऑब्जेक्टिव इन MBO प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर अप्रोप्रिएट सिस्टम एंड प्रोसीजर। तो एक तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। ए पीरियोडिक रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ MBO। तो आपको पता है कि पीरियोडिक रिव्यू होता है, मॉनिटरिंग भी साथ साथ चलती जाती है, और लास्ट में क्या होता है, परफॉर्मेंस का रिव्यू भी होता है कि आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी की है, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग की है या नहीं की। नाइन्थ, MBO प्रोवाइड द मीन फॉर इंटीग्रेटिंग द ऑर्गेनाइजेशन विथ इट्स एनवायरनमेंट, इट्स सबसिस्टम एंड पीपल। तभी जाके तो आपको पता है कि इनपुट से क्या होगा, प्रोसेस होके आउटपुट निकलेगा। तो ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी सबसिस्टम है, एनवायरनमेंट है, उसके साथ होके काम करता है, लोगों के साथ मिलके काम करता है। लोग होंगे तभी तो जाके वो रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। तो एक तरीके से लोगों को मैनेज किया जा रहा है उनके इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के थ्रू। Employees are provided with feedback on actual performance as compared to planned performance. तो यहाँ पे देखो एक तरीके से क्या हो गया कि employees को feedback भी दिया जा रहा है कि आपने कहाँ गलती की है, जो भी standard performance है और जो भी actual performance है उसमें कैसे deviation आया है, तो उसको deviation को कैसे दूर करेंगे, अगली बार आपको कैसे performance में सुधार करना है। आ गया, तो यही पार्ट था। तो तभी मैंने बोला कि देखो आधे से ज़्यादा तो वैसे ही कवर हो जाते हैं अगर आप ये देख लेते हैं। अब देखो लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशन भी ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, ठीक है पर्टिकुलर, और आपको अंदर डिटेल पढ़नी है तो फिर डिटेल आप क्या करना, PDF देख के पढ़ लेना। सबसे पहले यही बोल रखा है इसमें, ए सिस्टम ऑफ MBO हैज़ सर्टेन वीकनेस एंड लिमिटेशन। कुछ तो क्या होती है सिस्टम में पहले से ही इनहेरेंट होती है, लेकिन कुछ क्या होती है, जैसे जैसे हम MBO इंट्रोड्यूस करते हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या इंप्लीमेंट करते हैं, वो धीरे धीरे राइज होती जाती है। तो सबसे पहले क्या देखा है, ऊपर कर लेते हैं इसको, लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ
टॉप मैनेजमेंट। देखिए एमबीओ में जनरली क्या बोला है कि आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव दे दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है पार्टिसिपेशन की, ये हो गया। लेकिन टॉप मैनेजमेंट तो कभी कभी क्या होता है, अकड़ू होता है, आपको पता है, यानी एक प्राइड होता है उसमें, तो अथॉरिटी उसके पास ही वेस्टेड होती है जो कि टॉप से बॉटम पे जाती है, तो कभी कभी सबऑर्डिनेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। तो सिस्टम को सक्सीड होने के लिए टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, जो कि एमबीओ के थ्रू हो सकता है, ठीक है, ये बोल रहा है। लेकिन अगर टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट देगा ही नहीं तो एमबीओ अप्लाई हो ही नहीं पाएगा। तो ये लिमिटेशन हो गई एक तो, कि मैनेजमेंट का सपोर्ट होना ज़रूरी है। रिसेंटफुल एटीट्यूड ऑफ सबॉर्डिनेट, इसी तरीके से क्या बोल दिया कि जैसे वहाँ पे टॉप मैनेजमेंट एक तरीके से अकड़ू है, वैसे एक तरीके से यहाँ पे क्या बोल दिया, सबॉर्डिनेट्स भी इतने चेंजेस नहीं चाहता। उसको भी पता है कि जो गोल सेट किए हैं वो एक तरीके से क्या बहुत ज़्यादा हाई हैं, वो ऐसे बोल रहा है, या पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा टिपिकल है, ऐसे भी बोल सकते हैं, रियलिस्टिक नहीं है। हाँ ठीक है, रियलिस्टिक नहीं है। और वो कभी कभी ये भी फील करते हैं, देखो यहाँ पे बोल दिया कि एक तरीके से उनको शक भी होता है कि मैनेजमेंट उनके साथ खेल खेल रहा है एक तरीके से, ये एक और दूसरा क्या तरीका है जिससे हम क्या करेंगे, वैसे ही वर्क हार्डर करेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट को एक तरीके से दूसरे तरीके से क्या होगा कि मेहनत कराने का तरीका है, ताकि और ज़्यादा डेडिकेट हो सकें और ज़्यादा इन्वॉल्व हो सके। लेकिन वो सोच रहे होंगे कि हमको तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो सबऑर्डिनेट्स कभी कभी क्या होते हैं, इसलिए रिसेंटफुल हो जाते हैं, मतलब क्या होते हैं, एक तरीके से काम नहीं करने की सोचते हैं, या वो सोचने में लग जाते हैं कि यार ये गोल तो बहुत ज़्यादा क्या है, फार है, या हम बोल सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेंगे, बहुत ज़्यादा टिपिकल गोल है, रियलिस्टिक गोल नहीं है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तब भी ये क्या होती है, एमबीओ की अप्रोच सक्सेसफुल नहीं हो पाती है कभी कभी। फिर आपको बोल दिया डिफिकल्टीज इन क्वांटिफाइंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो देखो जब भी हम बात करते हैं क्वांटिफाइबल की, यानी हम क्वालिटेटिव पार्ट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव टर्म की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में जो भी मैंने जितना भी पार्ट आपको बताया, जैसे बोला था ना ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो मार्केट का लीडर बनना है जनरली आपको ये पता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर वो जो भी हमने गोल सोचा है कि हमें इतना क्या करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, इतना कैश जनरेट करना है, तो वो एक क्वांटिटी के टर्म में हो गया। अगर आप मार्केटिंग की भी बात करोगे कि हमें 2000% की क्या चाहिए, लीड चाहिए हर मंथ, मैंने सेल्स का गोल बोला कि 100% पर मंथ चाहिए, तो आप एक क्वांटिटी के टर्म में बात कर रहे हो। तो क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, एक आपने ऑब्जेक्टिविटी की बात करी है, किसकी बात करी है, जबकि सब्जेक्टिविटी क्या होती है, देखो आप हमेशा इसमें कन्फ्यूज रहते हो। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है कि जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये मान के चल लो, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है तो वो एक तरीके से क्वांटिटी के टर्म में हो गया, अगर आप नॉर्मल वे में सोचना चाहते हो। क्योंकि सब्जेक्टिव का तो मतलब क्या होता है, वो परसेप्शन पे बिलीव करता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को रोमांटिक बुक अच्छी लगती है, जो रोमांटिक मूवी से रिलेटेड हो गई कोई भी, या रोमांटिक मूवी अच्छी लगती है, रोमांटिक बुक अच्छी लगती है। आपने क्या बोला, हमें साइंस फिक्शन की अच्छी लगती है, तो वो आपका परसेप्शन है और मेरा परसेप्शन अलग है। तो इसका मतलब क्या है, वो सब्जेक्टिविटी की बात करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी की तो बात की नहीं, यहाँ पे चलो हम बोल रहे हैं कि वर्कर पार्टिसिपेशन क्या होता है बताइए, ये क्वांटिटी में होता है क्या पार्टिसिपेशन, नहीं, तो वो तो सब्जेक्टिविटी में, सब्जेक्टिविटी के हिसाब से होना चाहिए, यानी वो सब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से होना चाहिए। मैं अगर आपकी स्किल की बात करता हूँ, आपकी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, तो मैं परफॉर्मेंस कभी भी आपको क्वांटिटी के वे में नहीं बोल रहा, क्वालिटी वाइज बोल रहा हूँ कि आपकी क्वालिटी वाइज परफॉर्मेंस सुधरी या नहीं सुधरी, डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ, आपकी ग्रोथ हुई या नहीं हुई। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपकी क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आपकी सब्जेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। तो क्वांटिफाइबल मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिविटी हो गया, ठीक है, और सब्जेक्टिविटी या क्वालिटिटी, सॉरी क्वालिटिटी बोल रहा हूँ, क्वालिटी वो जनरली सब्जेक्टिविटी को डिनोट करेगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एमबीओ कब सक्सेसफुल है, अगर गोल को क्वांटिफाइबल टर्म में सेट कर रखा है, बट इफ़ द एरियाज आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एंड डिफिकल्ट टू एवल्यूट, इट विल नॉट बी पॉसिबल टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉई। क्योंकि उस केस में आपको पता है कि पर्टिकुलर उसकी स्किल देखनी है, उसका पार्टिसिपेशन देखना है, तो उस केस में आपको क्या होना पड़ेगा, सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। जबकि एमबीओ में सारा पार्ट क्या है, क्वांटिफाइबल है, यानी हम बोलते हैं क्वालिटेटिव नहीं है, क्या नहीं है, क्वालिटेटिव नहीं है, क्वालिटी वाइज नहीं है। तो मोर ओवर एमबीओ डज नॉट हैव एनी सब्जेक्टिविटी इन परफॉर्मेंस अप्रेजल, इट रिवॉर्ड्स ओनली प्रोडक्टिविटी विदाउट गिविंग एनी कंसिडरेशन टू द क्रिएटिविटी ऑफ एम्प्लॉय। आ गया ना, तो एम्प्लॉय की स्किल नहीं देख रहे हैं एक तरीके से, उसकी परफॉर्मेंस को एक तरीके से हम किस में मेजर कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी के फॉर्म में, कि उसने कितना प्रोडक्शन करके दिया है, उसने कितनी सेल करके दिए, उसने कितने पर्सन अरेंज करके दिए, ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने पर्सन एम्प्लॉय में एक तरीके से एम्प्लॉय कितने रिटेन हो रखे हैं, 87% 90%, तो वो किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक। लेकिन ये नहीं बता रहा कि उसका वर्कर के साथ कितना पार्टिसिपेशन है, कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो वो सारा पार्ट तो क्वालिटी में आएगा, जो कि एमबीओ में नहीं है।
फिर आपको बोल रहा है कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है कि एक तरीके इसमें लॉट ऑफ पेपर वर्क होता है, ये बोल रहा है बहुत सारी रिपोर्ट जनरेट होती है, तो उस केस में रेस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन ये बढ़ जाता है, तो ये इसमें यही बोल रखा है। फिर इसमें मेन जो आपके एग्जाम में भी कभी पूछ लेता है, एम्फेसिस किस पे होता है, इसमें जनरली शॉर्ट टर्म गोल्स पे होता है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल बोल रखा है 6 महीने या 1 साल, ठीक, इसलिए तो बोल रहा है कि गोल क्या होता है, क्वांटिटेटिव होते हैं, तो जब भी आप क्या बोलते हो कि हमें मार्केट लीडर बनना है, तो उसमें एक पर्टिकुलर आप क्या करोगे, 1 साल 2 साल ये पीरियड सेट कर दोगे, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हुआ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो परफॉर्मेंस है वो आप क्या करोगे, हर 6 महीने हर 1 साल उसमें क्या करोगे, रिव्यू करते रहोगे। तो दे टेंड टू कंसंट्रेट ऑन देयर इमीडिएट ऑब्जेक्टिव विदाउट केयरिंग फॉर द लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। तो लॉन्ग रेंज का मतलब क्या होता है, कंपनी को ग्रोथ करनी है, कंपनी को अपना डेवलपमेंट करना है, तो उसको क्वालिटेटिव अप्रोच को भी देखना पड़ेगा, जो कि वो देखती नहीं है, और MBO में सिर्फ क्या करती है, शॉर्ट टर्म अप्रोच को देखती है, जो कि क्वांटिटी, जो किससे रिलेटेड हो गई, क्वांटिटी से रिलेटेड हो गई। दिस एम्फेसिस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स गोज अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड नॉट ए हेल्दी साइन। तो आपको पता है ना, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस किससे देखी जा सकती है, क्वालिटी से भी देखी जा सकती है, तो आप क्वालिटी को भी कंसिडर करो क्वांटिटी के साथ। यहाँ पे ऐसे बोला गया, लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे ये बोल रहा है, देखिए अब हम एम्प्लॉय की तो बात कर ही नहीं रहे, आपके यहाँ पे हम इसके बाद जो भी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं, देखो स्किल एंड ट्रेनिंग में एक तरीके से क्या है, एडिक्वेट पार्ट नहीं है, लैक ऑफ एडिक्वेट स्किल एंड ट्रेनिंग्स का मतलब क्या हुआ, जो भी मैनेजर है उनमें कोई पर्टिकुलर स्किल नहीं है जो सामने वाले को दे पाए, उसमें इतनी नॉलेज नहीं है वो सामने वाले को दे पाए, या ट्रेनिंग जो भी है वो सामने वाले को नहीं दे पा रहा, चलो पार्टिसिपेशन तो कर रहा है लेकिन जब सामने वाले पर्सन को इतना नहीं पता होगा तो वो कैसे सामने वाले को दूसरे को हैंडल कर पाएगा, ठीक है। एम्प्लॉय क्या बोलेगा, इसको खुद को इतनी नॉलेज नहीं है, एक तो ये चीज़ हो सकती है। कभी कभी क्या होता है, ये बोल रहा है कि जब मैनेजर बैठते हैं सबॉर्डिनेट के साथ और बोलते हैं कि हमें ये टारगेट पूरा करना है, हमें इतना प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो वो गोल पहले से सेट कर देते हैं और टारगेट पहले से बना लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉय क्या बोलेगा, पहले इनपुट तो दो, यानी पहले रिसोर्सेज तो प्रोवाइड करो तब जाके तो होगा, रिसोर्सेज तो आपके पास है ही नहीं, तो आप रिसोर्सेज कहाँ से जनरेट करोगे, कहाँ से लेके आओगे, अगर आप बोल रहे हो प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, पहले भी बताया था यही पार्ट कि रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या बोलोगे कि इतना पैसा चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट बोलेगा कहाँ से लेके आएंगे, आपकी अप्रोच कहाँ से आएगी, ठीक है, वो तो बताइए हमें, ठीक। तो आपस में जब गोल सेट करेंगे तो एक पर्टिकुलर रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, तो गोल क्या होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए, एक ट्रू पिक्चर देने वाले होने चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस क्या होगा, सक्सेसफुल हो पाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है, वेदर द गोल्स आर रियलिस्टिक और नॉट डज नॉट एंटर द पिक्चर इन दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, टू वे कम्युनिकेशन इज नॉट देयर एंड ऑब्जेक्टिव आर इम्पोज्ड ऑन द सबऑर्डिनेट्स, दिस डिस्ट्रॉय देयर मोरल इनिशिएटिव एंड परफॉर्मेंस। वो बोलेंगे जब हमारे पास सोर्स ही नहीं है तो हम कहाँ से अपने ऑब्जेक्टिव पूरे कर पाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूरे हो पाएंगे। फिर आपको बोल रखा है पुअर इंटीग्रेशन, इसमें जनरली ये बोल रहा है कि जैसे आप MBO की टेक्निक का यूज़ कर रहे हो तो आप दूसरी टेक्निक भी साथ में क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, जैसे फॉरकास्टिंग बस्टिंग, तो जब भी अदर सिस्टम्स आप इंटीग्रेट करते हो MBO के साथ तो वो जनरली पूरा का पूरा प्रॉपर नहीं हो पाता, द लैक ऑफ इंटीग्रेशन मेक्स द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम वेरी पुअर, ठीक है। तो आपको पता है कि MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में आपने जो भी पहले से ऑब्जेक्टिव सेट करे तो आपको फॉरकास्टिंग भी क्या करनी पड़ेगी, प्रॉपर करनी पड़ेगी, बजटिंग की अप्रोच भी प्रॉपर बनानी पड़ेगी। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के लिए ज़रूरी क्या है कि फॉरकास्टिंग बजटिंग सही होनी चाहिए, अगर यही सही नहीं है तो आपने जो सोचा है वो नहीं हो पाएगा। लैक ऑफ फॉलोअप, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि सुपीरियर को सबॉर्डिनेट के साथ एक तरीके से साथ कदम से कदम बढ़ाते रहने चाहिए, यानी जैसे वो काम करते जाए अगर वहाँ पे वो कुछ मिस्टेक कर रहा है तो उस वक्त सुधार करें, लेकिन यहाँ पे जनरली क्या होता है, जो सुपीरियर है सबॉर्डिनेट के साथ इतने टच में नहीं रहता। तो यहाँ पे बोल दिया अंडर द सिस्टम ऑफ MBO द सुपीरियर मस्ट गेट इन टच विद द सबॉर्डिनेट एट द अप्रोप्रिएट टाइम and at that time subordinate will inform the boss exactly what has been accomplished and how. If the superior delay the meeting, it will create hurdles in the successful implementation of MBO as the subordinate will also start taking the program casually. ठीक, जैसे अभी मैं ऊपर वापस से वही एग्जाम्पल, क्योंकि देखो एग्जाम्पल आप लोगे तो नॉर्मली लोगे, तो आपको अगर मैं बोल रहा हूँ कि टारगेट सेल का पूरा करना है, ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर मार्केटिंग डिपार्टमेंट लीड ही नहीं लेके आ पा रहा, तो सेल डिपार्टमेंट कहाँ से पूरा करेगा, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबसे पहले लीड लेके आया तब जाके तो काम होगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है, रॉ मेटेरियल ही नहीं लेके आ पा रहा, तो परचेज कहाँ से होगा। तो जब सुपीरियर को वो बता रहा है कि देखो इतनी शॉर्टेज हो गई है या मार्केट में आने वाले टाइम में इतना गुड्स महंगा हो रहा है, आपको जल्दी से क्या करना है, वो परचेज कर लेना चाहिए। सुपीरियर क्या है, आराम से बैठा है, 5 दिन बाद आ रहा है, हाँ क्या बोल रहे थे आप, तो ऐसा थोड़ी होता है। मीटिंग फटाफट करनी चाहिए, जो भी उसने बोला कि हमें पर्टिकुलर ये ज़रूरत है तो अप्रोप्रिएट टाइम पर मिल जाना चाहिए, तभी जाके तो गोल पूरे होंगे। फिर डिफिकल्टी इन अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, व्हेन गोल्स ऑफ वन डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन द गोल ऑफ अनदर डिपार्टमेंट,
कोहेशन इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। तो इसका मतलब क्या है, जो हारमनी बोलते हैं या एक तरीके से हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेशन, वो करना मुश्किल हो जाता है। इन सच केसेस द अचीवमेंट ऑफ गोल्स विल ऑल्सो बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। तो आपको बताया कि जब एक डिपार्टमेंट के गोल दूसरे डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर आपको क्या करना है, सप्लायर से गुड्स खरीदने हैं, तो एक तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा सप्लायर को। तो उसको पेमेंट के लिए आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, गुड्स बनाएगा। अब उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसको देगा, मान लो सेल्स डिपार्टमेंट को देगा। तो सेल्स डिपार्टमेंट को जितनी डिमांड है उतनी वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पूरी नहीं कर पा रहा, तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आगे कस्टमर्स की या क्लाइंट की नीड भी पूरी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे पूरा प्रोसेस चलता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इनफ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बोल रहा है कि MBO एक तरीके से क्या बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन को रिगिड बनाता है। एज द गोल्स आर सेट आफ्टर एवरी सिक्स मंथ और वन ईयर, द मैनेजर मे नॉट लाइक टू रिवाइज द गोल इन बिटवीन इवन इफ द नीड अराइजेस। तो जब भी नीड हो जाती है कि हमें क्या करना है, फ्लेक्सिबल अप्रोच रखनी है, तो हम नहीं रख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ 6 महीने या 1 साल के लिए गोल सेट किए, तो उस वक्त क्या होगी, मैनेजर की इच्छा भी नहीं होगी उसकी चेंज करने की, ड्यू टू फियर ऑफ रेसिस्टेंस फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। क्योंकि उसको क्या डर लगेगा कि जो सबऑर्डिनेट्स हैं जिनको हमने इंडिविजुअल गोल बताए हैं, वो बाद में क्या होंगे, जो हमने नए रिवाइज गोल किए होंगे उसको पूरा करने में मना करेंगे। द मैनेजर मस्ट लर्न टू हैंडल दिस सिचुएशन बिकॉज समटाइम रिवीजन ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स इज नेसेसरी फॉर द अचीवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डायनेमिक एनवायरनमेंट है। अगर मैं आपको बोलूं कि सोशल कोई चेंज हो गया, इनिशिएटिव आ गया, या पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, मैंने जैसे इनस्टेबिलिटी बताई थी आपको खूब बार, इकोनॉमिक कोई पॉलिसी चेंज हो गई, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए, तो उस केसेस में क्या है, जो भी आपने गोल सोचे थे आपको उनको चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि उस केस में MBO काम नहीं आएगा क्योंकि वो इनफ्लेक्सिबल है। लिमिटेड एप्लीकेशन, देखिए वैसे तो हम बोलेंगे कि MBO ऑल लेवल पे काम आता है, ये तो है, लेकिन देखो यूज़फुल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ किसके लिए यूज़फुल है, मैनेजरल एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉय के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, टॉप लेवल के लिए हो गया, ठीक है, मिडिल लेवल के लिए भी हो गया मान लो, लेकिन अगर लोअर लेवल की बात करो या उससे नीचे भी बोलोगे तो ये काम नहीं आएगा। ये बोला, इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ऑल लेवल्स एंड फॉर एवरीवन बिकॉज ऑफ द हैवी डिमांड मेड बाय इट। तो जनरली इसमें जो भी क्या होते हैं, टारगेट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, तो उस केस में जब टारगेट ज़्यादा लोगे तो उससे उस तक पहुँचने में भी क्या लगेगा, टाइम लगेगा, और आपने टाइम पीरियड कम सेट कर रखा है, तो उसमें जो एम्प्लॉई वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। इट कैन बी मेड एप्लीकेबल ओनली व्हेन बोथ द सबऑर्डिनेट्स एंड मैनेजर्स नहीं है, एंड मैनेजर्स फील कंफर्टेबल विद इट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सबऑर्डिनेट्स और जो मैनेजर है वो इनसे कंफर्टेबल फील करें एंड आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन इट। लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड, यहाँ पे जनरेट बोल रहा है कि आपको पता है कि आपने 1 साल तय कर दिया, लेकिन जब भी टाइम लेता है तो क्या लेता है, 3 से 5 साल जनरली लग जाते हैं अगर MBO प्रोग्राम को आपको प्रॉपरली क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है और पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट करना है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है, एंड सम रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट दीज प्रोग्राम्स कैन लॉस देयर इम्पैक्ट एंड पोटेंसी एज ए मोटिवेटिंग फोर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बोल रहा है कि जनरली MBO प्रोग्राम में 3 से 5 साल लग जाते हैं और आप तो क्या करते हो, 1 साल 1.5 साल 2 साल जनरली ये पीरियड लेते हो। तो कभी कभी अगर ये 3 से 5 साल का सेट कर रहे हो MBO प्रोग्राम, तो उसमें क्या होगा, जो पर्सन जिससे काम करा रहे हैं उसकी एक तरीके से मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, क्योंकि वो लॉन्ग पीरियड के लिए काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी या पोटेंशियलिटी एक तरीके से धीरे धीरे खत्म होती जाएगी लॉन्ग पीरियड की वजह से। अब आपका आ गया कौन सा, बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। देखिए जनरली इसमें यही बोल रखा है कि इसको हम बिहेवियर एक्सपेक्टेशन स्केल भी बोलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्केल तय कर ली जाती है और उसमें हम बोल सकते हैं कि 6 से 7 परफॉर्मेंस डायमेंशन, यानी 7 या 9 जैसे भी हैं, जनरली 7 ही होते हैं, तो 7 या 9 परफॉर्मेंस डायमेंशन सेट करते हैं और यहाँ से हम बोलते हैं कि आप लोअर स्केल पे हो या आप हायर स्केल पे हो। तो एक तरीके से क्या हो गया, ये कॉम्बिनेशन है रेटिंग स्केल का और क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक का, जो कि एक तरीके से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को क्या करती है, एवेल्यूएट करती है। अब देखो यहाँ बिहेवियर की बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से सामने वाले पर्सन में कितनी स्किल है और कैसे वो बिहेव कर रहा है, कस्टमर के साथ कैसे बिहेव कर रहे हो। अगर आप देखते हो कि पर्टिकुलर, मान लो आप किसी भी स्टोर में जाते हो, ठीक, किसी भी ब्रांडेड स्टोर में जाते हो पर्टिकुलर, तो आपको पता है कि वहाँ पे अगर ये जो कंप्यूटर सिस्टम लैग कर रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, टिपिकल हो रही है, दिक्कत हो रही है, या जब भी आप कार्ड दे रहे हो स्वाइप नहीं हो पा रहा, तो कस्टमर एक तरीके से आपको क्या करता है, चिल करने के लिए बोलता है, काम होने के लिए बोलता है कि सर अभी इसमें प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अगर वो आपको क्या करेगा, आपसे रूड बिहेव करेगा, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं कि उसको लोअर रेट दी जाएगी। यानी अगर उसको कोई सुपरवाइज़र एवल्यूट कर रहा है, रेटर एवल्यूट कर रहा है, तो उसको क्या करेगा, एक तरीके से लोअर स्केल पर रेट करेगा। उस केस में क्या होगा, या तो उसको जॉब से हटाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इससे क्या हो रहा है, जो क्लाइंट है उसका ट्रस्ट भी जा रहा है,
और हमारी कंपनी के लिए एक तरीके से क्या है, गुडविल ख़राब हो रही है, ब्रांड ख़राब हो रहा है। अगर वो सही ढंग से बिहेव करेगा, अगर कोई पूछने आता है कि पर्टिकुलर पर्सन से, आप ये बताइए कि यार इसमें कौन से मेटल का यूज़ किया गया है, या ये कॉटन है या सिंथेटिक है, क्या है, जो भी कपड़ा है, आप बता ही नहीं पा रहे, तो क्लाइंट क्या हो जाएगा, एक तरीके से सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे एक तरीके से आप कस्टमर से सही ढंग से रिलेट ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको प्रॉपर पूरी चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, एम्प्लॉई के। उसी के बेसिस पे क्या होगा, जो सुपरवाइज़र आपको स्केल करेगा, आपको रेट करेगा और उसके बेस पे रेटिंग देगा। तो ये बोल रहा है कि ये लाइन में क्रिटिकल इंसिडेंट सर्व एज एंकर स्टेटमेंट ऑन ए स्केल, ठीक है, एक स्केल होगी, एंड द रेटिंग फॉर्म यूजुअली कंटेन 6 to 8 स्पेसिफिकली डिफाइंड परफॉर्मेंस डायमेंशन। मैंने पूरे कवर कर रखे हैं, यानी कहने का मतलब स्टेप तो कवर कर रखे हैं पर एक एग्जाम्पल भी कवर कर रखा है, जो कि यहाँ पे दे रखा है। ये दिख रही है आपको स्केल, ये देखो 7, तो मैंने बताया तो 7 होते हैं, जनरली 9 होती है, यहाँ पे आपको दिख रही है नीचे। अगर नहीं भी दिख रही तो आप क्या करोगे, जब PDF देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस, एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस, स्लाइटली गुड, नाइदर पुअर नॉर गुड, इस तरीके से दे रखी है। तो धीरे धीरे आपकी क्या होती है, परफॉर्मेंस सुधर सकती है। तो यहाँ पे देखो, एक मैं एग्जांपल चलो आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बोल के, इसमें लिखा है, इन ऑर्डर टू टेक ए ब्रेक दिस चेकर कैन बी एक्सपेक्टेड टू ब्लॉक ऑफ द चेक स्टैंड विथ पीपल इन लाइन। देखिए अब इसमें आपको ऐसे नहीं समझना, इसमें जैसे ये समझिए कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, कुछ चीज़ चेक कर रहा है, मान लो आपने कुछ चीज़ खरीदी है, तो यहाँ पे लाइनें लगी हुई है कस्टमर्स की बहुत ज़्यादा, ठीक है, और ये गेट बना हुआ है। तो उसने क्या करा, जो एक तरीके से मान लो कि जो भी एम्प्लॉई है, जिसको यहाँ पे चेकर नाम दे रखा है, जो कि क्या कर रहा है, उस पर्टिकुलर गुड्स को चेक कर रहा है, तो ये लाइनें लगी हुई है पर्सन की बहुत सारी और ये गेट है। अब यहाँ से चेक करके पर्सन जा रहा है, चेक करवा के जा रहा है, एम्प्लॉई चेक कर रहा है, तो उसने क्या कर दिया, या जा रहा है कहने का मतलब, चेक करा के चले आएगा अपना पूरा पर्टिकुलर जो भी है, और पेमेंट वेमेंट करके चले आएगा। लेकिन यहाँ पे चेकर ने क्या बोल दिया कि लंच टाइम, जबकि अभी क्या बचा है, आधा घंटा बचा है, या गेट बंद करके चले गया। जनरली ये कहाँ पे होता है, जैसे हम क्या करते हैं, वो गवर्नमेंट वाले पार्ट में टिकट बुक कराने जाते हैं ना, जहाँ पे जनरली कुछ भी रुपये नहीं लगते हैं ये मान के चलो, तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे उनका टाइम हो जाता है फिक्स, तो बंद कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, थोड़े ये नहीं कि जैसे 15 मिनट का टाइम होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, हाफ आवर लगा लेते हैं, एक घंटा लगा लेते हैं, तो आराम से आते हैं। तो एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, यार परफॉर्मेंस ही बेकार है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ऐसा, चोर है, ऐसे बोलते हैं ना जनरली। तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वहाँ परफॉर्मेंस सही हो ही नहीं सकती है, हो भी सकती है तो उस केस में क्या होगा, अथॉरिटी भी उस हिसाब से चाहिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब भी सुपीरियर परफॉर्मेंस देख रहा है और सामने वाला क्या कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है, तो उस केस में क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली पुअर परफॉर्मेंस, दिस चेकर मे बी एक्सपेक्टेड टू लिंगर इन लॉन्ग कन्वर्जेशन विद ए कस्टमर ऑफ अनादर चेकर, कस्टमर और अनादर चेकर। इसका मतलब क्या है कि जो चेकर है ना, वो किसी कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, कन्वर्जेशन किए जा रहा है, तो पीछे वाले कस्टमर एक तरीके से क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, या दूसरे चेकर के साथ, जो दूसरा चेक करने वाला है उसके साथ बहुत देर तक बातें करे जा रहा है, तब भी हम क्या बोलेंगे, पुअर परफॉर्मेंस है। ऐसे आपको दे रखिए तो एक बार आप चेक कर लेना। जनरली क्या है, देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लेना कि एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस जैसे बोल दी, तो बाय नोइंग द प्राइस ऑफ आइटम्स दिस चेकर वुड बी एक्सपेक्टेड टू लुक फॉर मिसमार्क एंड अनमार्क आइटम्स। तो एक तरीके से देखो क्या हुआ कि पर्टिकुलर आइटम्स उसके पास आए, आप पर्टिकुलर स्टोर में जाते हो और वहाँ से आप प्रोडक्ट खरीद लेते हो, तो आप उस पर्टिकुलर लाइन में लगते हो, और जैसे ही आपका टर्न आता है उसके बाद जो भी आइटम्स होते हैं, अगर उसको कुछ मिस लगते हैं, या उसको लगता है कि यार इसकी प्राइस प्रॉपर नहीं है, या प्राइस में एक तरीके से क्या है, फ्लक्चुएशन हो रखा है, उससे अगर वो अवेयर है तो हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आपने कुछ उसका देखो कोड वोड हटा दिया जान पूछ के, तो वो पर्टिकुलर देख लेगा, वो बोलेगा कि ये तो कोड हटा हुआ है, तो उसको सारी की सारी अवेयरनेस है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस। फिर यहाँ पे छठे स्केल पे देखो गुड परफॉर्मेंस दे रखी है, यू कैन एक्सपेक्ट दिस चेकर टू नो द वेरियस टाइप ऑफ कॉफ़ी। सपोज करो कि कोई बोल रहा है कि यार कॉफ़ी का चेक करने वाला, कहने का मतलब क्या हो गया, जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो लाइन में लगे हुए रहते हैं या खड़े हुए रहते हैं एक तरीके से, आप उनसे पूछते हो कि ये टी शर्ट इस टाइप में मिल जाएगी, बोला हाँ, फटाफट आपको निकाल के दे देता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, परफॉर्मेंस अच्छी है, उसको सारी नॉलेज है, ठीक है। वैसे अगर मान लो कि किसी ये ब्रांडेड स्टोर, या मैं बोल रहा हूँ कि ग्रॉसरी स्टोर है, उसमें कॉफ़ी है, कॉफ़ी इसके बहुत सारे टाइप है, तो सामने वाला पूछता है कि मुझे इस टाइप की कॉफ़ी चाहिए, तो अगर आप बता देते हो तो इसका मतलब क्या, आप अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हो, इस तरीके से दे रखी है। तो ये एक एग्जांपल सेट किया हुआ है, आप कोई सा भी एग्जांपल सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सबसे पहले स्टेप, ये बोल रहा है हाउ टू कंस्ट्रक्ट बार्स, डेवलपिंग ए बार्स फॉलो ए जनरल फॉर्मेट विच कंबाइंड टेक्निक एम्प्लॉयड इन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड एंड वेटेड चेकलिस्ट रेटिंग स्केल, ठीक। तो जो आपने चेकलिस्ट पढ़ी थी और जो आपने क्रिटिकल इंसिडेंट पढ़ा था ट्रेडिशनल में, वहाँ से जाके देख लेना, सेम यही स्टेप है। एम्फेसिस इज पिनपॉइंटेड ऑन पुलिंग द थिंकिंग ऑफ पीपल हु विल यूज द स्केल्स एट बोथ एवोल्यूटर्स एंड एवोल्यूज। तो इसका मतलब क्या है, देखो एवोल्यूटर कौन हो गया, रेटर,
और एवल्यूज कौन हो गई, जो कि एक रेटीज हो गई। रेटीज का मतलब क्या हो गया, जो एम्प्लॉयज़ है, तो एम्प्लॉयज़ को हम क्या कर रहे हैं, रेट कर रहे हैं। कौन रेट कर रहा है, रेटर। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं क्या बोल रहा है, एक मिनट, ये आ गए ऊपर। और यह पहला स्टेप क्या बोल रहा है, कलेक्ट क्रिटिकल इंसिडेंट्स। देखिए इसमें जनरली ये बोल सकते हैं कि लोगों को जो जॉब की नॉलेज है उनको एक तरीके से ढूंढा जाएगा, ये बोल सकते हैं। तो जैसे जॉब होल्डर, सुपरवाइज़र, ठीक है, और उनसे एक तरीके से पूछा जाएगा कि पर्टिकुलर जॉब परफॉर्मेंस पे एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर होता है, तो क्या इफेक्टिव बिहेवियर है, क्या इनफेक्टिव बिहेवियर है। आपको पता है ना क्रिटिकल इंसिडेंट में आपने देखा था पॉजिटिव एलिमेंट क्या है और नेगेटिव एलिमेंट क्या है, जनरली वो देख लिए जाते हैं एक तरीके से। तो कभी कभी सुपरवाइज़र क्या करता है, नेगेटिव एलिमेंट ही ज़्यादा देखता है, मैंने लिमिटेशन में बताया था आपको, तो चलो आपको ध्यान आ गया होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट एक तरीके से पूछ लिए जाते हैं, तो वो पहले देखा, कलेक्ट किए। फिर आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस डायमेंशन, इसका मतलब क्या हो गया, जो टास्क है उससे रिलेटेड परफॉर्मेंस के कौन कौन से की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ठीक है। तो स्मॉल सेट तैयार कर दिया जाता है, एक बार देख लेना। तो ये बोला 5 to 10, जनरली बिटवीन 5 and 10, तो 5 to 10 डायमेंशन एक तरीके से तैयार कर दिए जाते हैं परफॉर्मेंस के। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी कितनी है, कस्टमर के साथ कैसा रिलेशनशिप है, पेपर वर्क कैसे हैंडल कर रहा है, डे टू डे डेडलाइंस कैसे अचीव कर पा रहा है, ठीक है, या ढंग से अचीव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो उसकी सारी स्किल एबिलिटी एक तरीके देखी जाती है। फिर देखो वापस से जो क्रिटिकल इंसिडेंट थे उसको रिक्लासीफाई किया, तो एक और पार्टिसिपेंट लिया गया, यानी और सुपरवाइजर लिए गए। और यहाँ पे बोला कि देखो अनदर ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट हु आर नॉलेजेबल अबाउट द जॉब इज इंस्ट्रक्ट टू रीट्रांसलेट और रिक्लासीफाई द क्रिटिकल इंसिडेंट जनरेटेड प्रीवियसली। तो जो पिछली बार क्रिटिकल इंसिडेंट जनरेट किए गए थे, क्या पता वो सही नहीं हो, तो वापस से एक बार रिक्लासीफाई करो, रीट्रांसलेट करो। कुछ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट क्या बोलेंगे कि पर्टिकुलर ऊपर वाले जो किए गए थे क्रिटिकल इंसिडेंट वो थोड़े सही नहीं थे, जो एलिमेंट बताए गए थे पर्टिकुलर जॉब के लिए, जो एम्प्लॉई है उसमें ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए, इस बिहेवियर को हटा दो, या उसने मेन इंपॉर्टेंट बिहेवियर तो लिया ही नहीं है तो ये भी ऐड कर दो। तो एक तरीके से पोलाइट होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव एलिमेंट जो भी है वो कंसीडर कर दिए जाते हैं। दे आर गिवन द डेफिनेशन ऑफ जॉब डायमेंशन एंड टोल्ड टू असाइन ईच क्रिटिकल इंसिडेंट टू द डायमेंशन दैट इट बेस्ट डिस्क्राइब। अब इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट जो नीचे बोल रखी है कि इस स्टेज पे अगर जो पैनल बना हुआ है ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, 75% ने आपस में क्या कर दिया, सहमति दे दी। अगर 75% लोगों ने एक तरीके से बोल रहे हैं कि मान लो कि ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट का 10 लोगों का पैनल है, तो 75% मिनिमम तो मतलब क्या हो गया, अगर 8 लोगों ने यानी 7.5 से ज़्यादा तो मतलब बोल दिया कि 8 लोगों ने अगर एक्सेप्टेंस दे दी तो हम क्या करेंगे, वो इंसिडेंट को सुधार लेंगे और रिवाइज वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो उस केस में क्या करेंगे, ये बोल रहा है एज दिस स्टेज देयर नीड टू बी एन एग्रीमेंट ऑफ 75% ऑफ द पैनल फॉर द इंसिडेंट टू बी इंक्लूडेड इन द रेटिंग प्रोसीजर, अदरवाइज एग्रीमेंट इज डिस्कार्डेड एज बीइंग टू सब्जेक्टिव। नहीं तो क्या होगा, अगर एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो एग्रीमेंट को डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पर्टिकुलर पर्सन की अलग अलग अप्रोच है, इसलिए क्रिटिकल इंसिडेंट वो नहीं है, इसलिए उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को हटा दिया जाएगा और हमारा जो एग्रीमेंट है उसके हिसाब से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। स्टेप 4, असाइनिंग स्केल वैल्यू टू द इंसिडेंट। देखिए अभी दिखाया था आपको, चार्ट दिखाया था, उसमें देखा था 1 से 7, ठीक है। तो ये बोला 1 से 7 भी हो सकती है, 1 से 9 भी हो सकती है, रखना कि कैसे परफॉर्मेंस हो रही है। तो जो नीचे आप सबसे नीचे पुअर देख रहे थे परफॉर्मेंस, तो बोला ए रेटिंग ऑफ 1 रिप्रेजेंट इनएफेक्टिव परफॉर्मेंस एंड टॉप स्केल वैल्यू इंडिकेट वेरी इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो अगर हम 1 to 7 की बात कर रहे हैं तो 1 लोअर परफॉर्मेंस और 7 क्या है, हाई रेटिंग है। 1 क्या है, लोअर, 9 क्या है, हाई रेटिंग है, ये हो गया। द सेकेंड ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट, मतलब जो अभी थर्ड स्टेप में देखा, जनरली वही स्केल वैल्यू डिसाइड करता है। अब देखो मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या हुआ, जो आप एवरेज हो उससे कितने ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए हो, जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है उतना क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव अप्रोच है, यही तो बोलते हैं। तो बोल रहा है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर देन कैलकुलेटेड, यानी एवरेज निकालेंगे और उससे डेविएशन देखेंगे फॉर द स्केल वैल्यू असाइन टू ईच इंसिडेंट। टिपिकली इंसिडेंट डेट हैव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1.50 और लेस ऑन ए 7-point स्केल आर रिटेन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ पे डेविएशन कम होगा उन्हीं पर्टिकुलर हम पर्सन की परफॉर्मेंस को देखेंगे और उनको क्या करेंगे, हायर रेटिंग देंगे। जहाँ पे डेविएशन ज़्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से कस्टमर से अच्छा रिलेशन नहीं है, स्किल को सही ढंग से दिखाया नहीं है, टास्क को ढंग से परफॉर्म नहीं किया। तो डेविएशन कम होना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी है, और क्या देंगे, हायर रेटिंग देंगे। फिर आपको क्या बोल दिया, प्रोड्यूसिंग द फाइनल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे क्या बोल दिया, प्रोड्यूसिंग द फाइनल इंस्ट्रूमेंट अबाउट 6 or 7 इंसिडेंट फॉर ईच परफॉर्मेंस डायमेंशन ऑल हैविंग मेड बोथ द रीट्रांसलेटिंग एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्राइटेरिया विल बी यूज्ड एज बिहेवियरल एंकर। तो क्या बोल दिया, जो आपने 1 से लेकर 7 बनाए स्केल,
ठीक है, या डायमेंशन बनाए जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्राइटेरिया को और रीट्रांसलेशन को, जो कि आपको पता है ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने किया था, तो उनकी जैसी अप्रोच आई उसके बेसिस पे हम वो पर्टिकुलर स्केल सेलेक्ट कर लेंगे और उन्हीं को एक तरीके से क्या करेंगे, एवोल्यूशन के लिए काम में लेंगे। द फाइनल बार्स इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्टिकल स्केल, वन फॉर ईच डायमेंशन एंकर, ठीक है, और मेजर्ड बाय द फाइनल इंसिडेंट। तो यहाँ पे आप देख लेना, लास्ट लाइन में पढ़ लेता हूँ, ईच इंसिडेंट इज पोजिशनड ऑन द स्केल अकॉर्डिंग टू इट्स मीन वैल्यू। तो आपको क्या बोल रहा है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू के बेसिस पे आपने देखा कि अगर डेविएशन बहुत ज़्यादा है तो उसको लोवेस्ट रैंक दी, और डेविएशन कम है जो कि 1.5 या उससे कम है तो उस केस में आपने क्या कर दिया, एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस का पार्ट देखा। ठीक, तो ये पर्टिकुलर स्केल है, यहाँ पे अलग अलग डायमेंशन सेट है, उसके बेसिस पे वर्कर क्या काम कर रहा है वो देख रहे हैं। ठीक, स्लाइटली पुअर परफॉर्मेंस देखो, यहाँ पे गुड परफॉर्मेंस देखो, तो देखो क्या बोल रहा है, व्हेन इन डाउट दिस चेकर वुड आस्क द अदर क्लर्क इफ द आइटम इज टैक्सेबल। तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन आया कस्टमर और उसने पूछा कि यार ये टैक्सेबल है या नहीं है गुड्स, या एग्जम्प्ट है, तो आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, दूसरे चेकर से पूछोगे कि यार टैक्सेबल है या नहीं है। ठीक, इसी तरीके यू कैन एक्सपेक्ट दिस चेकर टू नो द वेरियस टाइप ऑफ कॉफ़ी। आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को सामने देखते हुए, क्योंकि क्या उसके पास नॉलेज दिख रही है आपको, क्योंकि वो दूसरों को अच्छे ढंग से बता रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, उसकी गुड परफॉर्मेंस होगी, ये पर्टिकुलर पार्ट आ गया। तो इस तरीके से अप्रोच है, तो ये बार्स के थ्रू दे रखी थी, अब है आपका असेसमेंट सेंटर, फिर आपका क्या आएगा 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो पहले देख लेते हैं असेसमेंट सेंटर। देखिए, जो ये असेसमेंट सेंटर हम पढ़ रहे हैं, ये जनरली बोल रहा है कि जो कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जर्मनी से आया 1930 बैक, ये बोल रहा है, यूज टू अप्रेज इट्स आर्मी ऑफिसर्स। तो जनरली आर्मी ऑफिसर को अप्रेज करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस को देखने का काम आता था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ये US में फैला, UK में फैला 1940s में, और ब्रिटेन में 1960 में, इस तरीके से बोल रहा है कि ये फैलता गया। फिर इसके बाद बोल रहा है कि कॉन्सेप्ट फिर कहाँ पे आया, ट्रेवर्स फ्रॉम द आर्मी टू बिजनेस एरिना, तो ये बोल रहा है आर्मी से बिजनेस एरिना में आया 1960 में। फिर उसके बाद इंडिया ने भी क्या करा, रिसेंट अभी अब इसको अडॉप्ट किया है, तो एक तरीके से उसके लिए मॉडर्न टेक्निक है। इंडिया में क्रॉम्पटन ग्रीव्स, आइचर, हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर बोल सकते हो, मोदी जेरोक्स, इन्होंने एक तरीके से परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के लिए इस टेक्निक को यूज़ करा। इसमें जनरली क्या होता है कि एक असेसमेंट सेंटर यानी एक सेंट्रल लोकेशन बना दी जाती है जिसमें सारे मैनेजर्स को एक तरीके से रखा जाता है, और एक तरीके से उसमें हम क्या बोलते हैं, सेम है ना, जैसे बिजनेस की बोलते हैं ना अपन, बिजनेस की सिचुएशन होती है वैसी क्रिएट की जाती है। तो आपने मेरे से ना वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के मेथड्स देखे थे ऑफ द जॉब वाले, तो उसमें आपने रोल प्ले पढ़ा था, आपने इन बास्केट एक्सरसाइज पढ़ी थी, ट्रेनिंग वर्क ग्रुप पढ़ा था, सिमुलेशन मतलब आपने सारा का सारा पार्ट देखा था कि सेम टू सेम क्रिएट कर दिया जाता है, इन ट्रेनिंग सेंटर आपने देखा था, ठीक है, इक्विपमेंट सिमुलेशन का पार्ट देखा था। तो वैसे ही बोल रहा है कि वैसा एक सेंटर क्रिएट कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है, मेनली यूज्ड फॉर एवोल्यूटिंग एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजरी पोटेंशियल। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजरी पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, कि बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक तरीके से हो गया, सुपरवाइजर एग्जीक्यूटिव जनरली ये हो गया। तो उस केस में बोल रहा है, एन असेसमेंट सेंटर इज ए सेंट्रल लोकेशन वेयर मैनेजर्स कम टुगेदर टू पार्टिसिपेट इन वेल डिजाइंड सिमुलेटेड एक्सरसाइज, दे आर असेस्ड बाय सीनियर मैनेजर सप्लीमेंटेड बाय द साइकोलॉजिस्ट एंड द HR स्पेशलिस्ट फॉर 2-3 डेज। तो एक तरीके से वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब क्या क्या दी जाती है देखो, ये रहा, एक तरीके से उनसे इन बास्केट एक्सरसाइज की जाती है जो इंट्रे मैंने बताई थी, डिटेल नहीं बताऊंगा, वहाँ जाके देख सकते हो। वर्क ग्रुप सिमुलेशन रोल प्ले करवाया जाता है ताकि एक तरीके से जो स्टैंडर्ड हमने तय कर रखे हैं और जो एक्चुअल जॉब में वो परफॉर्म करेंगे उसमें कोई गैप तो नहीं आया। अगर उसमें कोई गैप आया था तो उस केस में उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस वो सब उनको बताई जाती है। एक तरीके से लास्ट में फीडबैक भी दिया जाता है, वो पर्टिकुलर इस प्रोसेस में दे रखा है। तो एक बार पढ़ के देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा। फिर आपको बोल रहा है कि जनरली इसके एडवांटेज क्या होते हैं असेसमेंट सेंटर के। ये बोल रहा है, मोर एक्यूरेट इवोल्यूशन, मिनिमम बायसनेस, राइट सेलेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड सो ऑन। तो अगर आपने डेवलपमेंट से रिलेटेड या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड एडवांटेज देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बोल रहा है, नन ऑफ द लेस द टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट सेंटर इज ऑल्सो प्लेग्ड बाई सर्टन लिमिटेशन एंड प्रॉब्लम, डिसएडवांटेज भी हैं, कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आपको पता है कि सेम वैसे ही आपको एक लोकेशन क्रिएट करनी पड़ती है, या बोल सकते हो कि जब भी रोल प्ले की अप्रोच होती है, केस स्टडी की अप्रोच होती है, तो सेम टू सेम आपको वैसे इवेंट क्रिएट करना पड़ता है, तो उसमें कॉस्ट लगती है। ठीक है, सिमुलेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको कॉकपिट वाला एग्जांपल बताया था, याद है, तो वो पायलट होता है एक तरीके से, उसको क्या होती है, सेम सिचुएशन क्रिएट करके देनी पड़ती है, तो वो पार्ट आ गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वो कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉजेस सफोकेशन टू द सॉलिड परफॉर्मर्स,
डिस्करेज टू द पुअर परफॉर्मेंस परफॉर्मर, यानी एक तरीके से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जो सॉलिड परफॉर्मर है, कभी कभी एक तरीके से उन्हें सफोकेशन लगती है। क्यों? क्योंकि वो 3-4 दिन वहाँ रह रहे होते हैं, जबकि उनको पता है कि एक्चुअल सिचुएशन में भी वो अच्छा काम कर सकते हैं। ब्रीड अनहेल्दी कंपटीशन अमंग द एसएससीज, एक तरीके से कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा, जिनको चुना जाएगा उनमें भी रहेगा और जिनको नहीं चुना जाएगा और जो अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो एक तरीके से क्या होंगे, जेलस रहेंगे। एंड बियर एडवर्स इफेक्ट ऑन दोज नॉट सेलेक्टेड फॉर द असेसमेंट, तो देखो आगे ना, जो सेलेक्ट नहीं हुए तो उन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। फिर आपको दे रखा है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। देखिए इसको, देखो नाम से पता चल रहा है 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसका मतलब क्या हुआ, जहाँ से भी एम्प्लॉय को फीडबैक मिल रहा है वहाँ से उसको ले लेना चाहिए। तो उसको क्या होगा, साथ वाले ग्रुप वाले पर्सन भी क्या कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, सबऑर्डिनेट्स भी दे रहे हैं, मैनेजर भी दे रहे हैं, पीयर ग्रुप मतलब क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर मैंने बताया था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसके नीचे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, वैसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके नीचे एम्प्लॉय काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट उसके नीचे एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो ये एम्प्लॉय भी इसको एक तरीके से क्या कर रहा है, फीडबैक दे रहा है, ये भी क्या कर रहा है, ये वाला भी इसको फीडबैक दे रहा है, तो वो क्या हो गया, पीयर ग्रुप हो गया। क्या हो गया, पीयर ग्रुप। तो आपको पता है कि उस केस में भी एक तरीके से ये पार्ट आ गया। तो बोल रहा है कि मल्टी रेटर फीडबैक इसको बोला जाता है, इट इज़ द मोस्ट कम्प्रहेंसिव अप्रेजल वेयर द फीडबैक अबाउट द एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस कम्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज जो कि उसके कॉन्टेक्ट में आते हैं विद द एम्प्लॉय ऑन हिज जॉब। तो जब भी एम्प्लॉय जॉब पे होता है, ऑन हिज जॉब मतलब क्या हो गया, ये ऑन द जॉब वाली परफॉर्मेंस की अप्रोच है कि आप ऑन द जॉब परफॉर्म कर रहे हो, जबकि असेसमेंट सेंटर में क्या हुआ, पर्टिकुलर वैसे ही सेंटर बना दिए जाते हैं और वैसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है। याद रखना 360 डिग्री रेस्पॉन्डेंट फॉर एन एम्प्लॉय कैन बी हिज आर पीयर्स, तो बोल रहा है कि वो उसके साथ वाला हो सकता है जो मैंने बताया, मैनेजर्स, सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हो गया कि वो नीचे पर्सन भी हो सकता है, मैनेजर मतलब ऊपर वाला पर्सन भी हो सकता है, टीम मेंबर भी हो सकते हैं यानी पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट के जो मेंबर है वो हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर या वेंडर हो सकते हैं जो कि एक तरीके से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या परचेज डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल से रिलेटेड, तो सप्लायर वेंडर भी हो सकते हैं। अगर आप सेल्स डिपार्टमेंट में हो, कस्टमर से डायरेक्टली डील करते हो, तो कस्टमर भी आपको क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ फीडबैक दे रहा है। तो जो भी कॉन्टैक्ट में आता है एम्प्लॉय के साथ वो अपना वैल्यूएबल इंसाइट दे सकता है, इन्फॉर्मेशन दे सकता है, फीडबैक दे सकता है, ठीक है, रिगार्डिंग द ऑन द जॉब परफॉर्मेंस कि आप कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो इसमें क्या आ गया, 4 एलिमेंट आ गए, एक क्या आया सेल्फ अप्रेसल, एक आ गया सुपीरियर, एक आ गया सबऑर्डिनेट और एक आ गया पीयर। ठीक है, पीयर शायद मैंने यहाँ कवर नहीं कर रखा लेकिन आप समझ जाएंगे, मैंने जो आपको बताया अभी ऊपर तभी बता दिया था मैंने। सेल्फ अप्रेसल गिव ए चांस टू एम्प्लॉय टू लुक एट हिज आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कि उसने क्या अचीव करा है, ठीक है, धीरे धीरे उसका एडवांसमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, तो खुद की परफॉर्मेंस जज कर सकता है। सुपीरियर, तो यहाँ पे एक तरीके से क्या कर रहा है, कौन अप्रेस कर रहा है, सुपीरियर, रेट कौन दे रहा है, सुपीरियर। तो इसका मतलब एम्प्लॉय की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो दी थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस उसने जो की उसके बेसिस पे यानी स्टैंडर्ड के बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस की है या नहीं करी, तो वो सुपीरियर रेट कर रहा है। सबऑर्डिनेट, तो एक तरीके से क्या हो गया, मोटिवेशन के लिए हम बोल सकते हैं, देखो इट इज़, ये बोल रहा है गिव्स ए चांस टू जज द एम्प्लॉय ऑन द पैरामीटर्स लाइक कम्युनिकेशन एंड मोटिवेटिंग एबिलिटी कि यहाँ पे सबऑर्डिनेट को बोला जाएगा कि बताओ हम आपको कैसे एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा आपको मोटिवेट, ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको जो काम दिया है वो आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, मैंने जो आपको लीड किया है उसमें कोई क्वालिटी आपको मुझ में दिखी या नहीं लिखी, तो वो सारा पार्ट, तो मोटिवेशन, लीडरशिप या मेरी काम करने की एबिलिटी क्या है वो आपको कैसी लगी, तो वो सारा पार्ट पूछा जाता है। पीयर ग्रुप में क्या हो गया, मैंने बताया अलग अलग डिपार्टमेंट लेकिन एक ही लेवल के एम्प्लॉई है, ठीक है, वो आपस में क्या कर रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट वाले को क्या कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं कि आपने ऐसा काम कर रहे हो, थोड़ा आपने सही नहीं करा, तो वो परफॉर्मेंस बता रहे हैं उसकी, ठीक। फिर आपको बोल रहा है 360 डिग्री अप्रेजल इज आल्सो ए पावरफुल डेवलपमेंटल टूल बिकॉज व्हेन कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल इट हेल्प टू कीप ए ट्रैक ऑफ चेंजेस अदर परसेप्शन अबाउट द एम्प्लॉय। तो एक तरीके से आपको पता है कि ओवरऑल व्यू की बात करता है। 360 डिग्री अप्रेजल इज जनरली फाउंड मोर सुटेबल फॉर द मैनेजर एस इट हेल्प टू असेस देयर लीडरशिप एंड मैनेजिंग स्टाइल क्योंकि सबऑर्डिनेट भी अपनी क्या कर रहा है, राय उसको दे रहा है, सुपीरियर तो दे रहा है लेकिन सबऑर्डिनेट भी दे रहा है। दिस टेक्निक इज बीइंग इफेक्टिवली यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। कुछ ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं वो कौन है, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्री एटसेट्रा, ठीक है। अब आपको एडवांटेज दे रखे हैं 360 डिग्री के, उसमें क्या क्या दे रखा है, कंप्रहेंसिव व्यू मिल जाता है परफॉर्मेंस का एम्प्लॉय को क्योंकि सबसे एक तरीके से आइडियाज मिल रहे हैं, एक तरीके सबसे फीडबैक मिल रहे हैं, सबसे क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है जो भी पार्ट है। इम्प्रूव क्रेडिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, सच कलीग्स फीडबैक विल हेल्प स्ट्रेंथन सेल्फ डेवलपमेंट। कलीग्स क्या बोलते हैं, अभी चलो कुछ गलती होगी लेकिन आप धीरे धीरे क्या करोगे, इंप्रूवमेंट करोगे, अच्छा किया है तो आपको प्रेज भी मिलेगी, शाबाशी मिलेगी। यही इंक्रीजेज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय,
टू देयर कस्टमर, एक तरीके से वही बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर एक तरीके से मेन अप्रोच होती है, ठीक, क्योंकि वो मार्केट का राजा वही है। तो अगर एम्प्लॉय कस्टमर से डायरेक्ट लिंक है और फीडबैक ले रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। मिक्स ऑफ आइडिया कैन गिव ए मोर एक्यूरेट असेसमेंट, अलग अलग पर्सन के आइडिया आ रहे हैं तो एक तरीके से एक्यूरेट असेसमेंट भी दे सकते हैं, क्या पता कन्फ्यूज भी कर सकते हैं, डिसएडवांटेज में भी आ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग पर्सन से आइडिया आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पर्सन से एक तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या आ रहे हैं, जो भी फीडबैक है वो आ रहे हैं, तो किसी से अच्छे आएंगे किसी से बुरे आएंगे, तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हम सही हैं या गलत हैं। ओपिनियन गैदर्ड फ्रॉम लॉट्स ऑफ स्टाफ आर श्योर टू बी मोर परस्यूसिव, तो एक तरीके से बोल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह से आ रही है, तो एक तरीके से आपके लिए बेनिफिशियली होगी। नॉट ओनली मैनेजर शुड मेक असेसमेंट ऑन इट्स स्टाफ परफॉर्मेंस बट अदर कलीग शुड डू टू, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है कि सिर्फ असेसमेंट जो वो स्टाफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे नहीं हो रहा, लेकिन अदर कलीग्स भी आपके क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आपको फीडबैक दे रहे हैं। पीपल हु अंडर वैल्यू देमसेल्व आर ऑफन मोटिवेटेड बाई फीडबैक फ्रॉम अदर, तो कभी कभी आप क्या करते हो, डीमोटिवेट फील करते हो, तो मोटिवेट होने के लिए एक तरीके से वो पर्टिकुलर फीडबैक भी अच्छा होता है। इफ़ मोर स्टाफ टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर ऑफ द कंपनी विल बिकम मोर ऑनेस्ट, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मतलब क्या हो गया, एथिक्स, मोरल बिहेवियर, ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स बढ़ेगा, मोरल बिहेवियर बढ़ेगा, आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रिटी बढ़ेगी, ठीक है, इंटीग्रिटी नहीं यानी कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, वो सारा पार्ट होगा, इंटीग्रिटी भी बोल सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ 360 डिग्री अप्रेजल, लॉट ऑफ टाइम एंड बीइंग कॉम्प्लेक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और कॉम्प्लेक्स है एडमिनिस्ट्रेशन में संभालने में। एक्सटेंशन ऑफ एक्सचेंज फीडबैक कैन कॉज ट्रबल एंड टेंशन टू सेवरल स्टाफ, तो जब भी एक्सचेंज फीडबैक बढ़ जाएगा, मतलब आप अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी अप्रेजल में क्या बोलोगे, आप भी अपना फीडबैक इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाले को दे सकते हो, सुपीरियर भी दे सकता है, सबॉर्डिनेट भी दे सकता है, पीयर वाला भी दे सकता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ जाएगी, ट्रबल बढ़ जाएगी। देयर इज रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड इंपॉर्टेंट एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव एफिशिएंट वर्किंग, तो अगर आपको सबको खुश करना है तो उस केस में आपको क्या होगा, ट्रेनिंग भी ज़्यादा चाहिए होगी और एफर्ट्स भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि दूसरा डिपार्टमेंट वाला आपको एक तरीके से अच्छा फीडबैक दे। इट विल बी वेरी हार्ड टू फिगर आउट द रिजल्ट्स, तो एक तरीके से रिजल्ट पता करना मुश्किल है, क्योंकि कोई सही बताएगा कोई गलत बताएगा। फीडबैक यूजफुल होंगे इफ इट इज़ नॉट केयरफुली एंड स्मूथली डील, अगर आप ढंग से डील नहीं करते हो, अगर आप किसी को क्या बोलते हो, जिसके साथ एक तरीके से आप क्या बोलते हो, ज़्यादा बात नहीं करते हो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, उसका आप फीडबैक लेने की करोगे नहीं, क्योंकि आप क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो आपको क्या करना चाहिए, स्मूथली और केयरफुली डील करना चाहिए, नहीं तो एक तरीके से वो यूजलेस होगा, आप उसकी बात ही नहीं सुनोगे, आप एक कान से सुनोगे दूसरे कान से इग्नोर मार दोगे, ये भी हो जाएगा। कैन इम्पोज एन एनवायरमेंट ऑफ सस्पिशन इफ़ द इन्फॉर्मेशन इज नॉट ओपनली एंड ऑनेस्टली मैनेज, इसका मतलब सामने वाला जान पूछ के, मैंने बताया ना आपसे एक तरीके से क्या खाता है, आपसे जेलस है, मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखता है, तो उस केस में क्या होगा, वो जान पूछ के फीडबैक ही रॉन्ग देगा, तो ऑनेस्टली एक तरीके से वो फीडबैक आपके पास नहीं आया, तो आपको थोड़ा शक बना रहेगा, ये बोल रहा है। लास्ट आपको दे रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, इतना टिपिकल नहीं है, नॉर्मल सा है। अब यहाँ पे जनरली ये बोल रहा है कि एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे एवैल्यूएट हो रही है, देखो कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड नाम है, तो जो भी एक तरीके से मॉनेटरी बेनिफिट मिले किसकी वजह से, एम्प्लॉय ने जो परफॉर्मेंस दी है उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को जो भी बेनिफिट हुए, ठीक है, तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं जो कॉस्ट कम हुई है, प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधरी है, सर्विसेज अच्छी दी है, कॉस्ट कम हुई है, उसकी वजह से जो भी बेनिफिट मिला है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेस करेंगे और उसी के बेसिस पे उसको प्रमोशन ट्रांसफर ये सारा पार्ट देंगे। तो बोला दिस मेथड एवेल्यूएट एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस फ्रॉम द मॉनेटरी बेनिफिट, ठीक, फ्रॉम द मॉनेटरी बेनिफिट्स द एम्प्लॉय यील्ड टू हिज ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मॉनेटरी बेनिफिट एम्प्लॉय अपने ऑर्गेनाइजेशन को कमा के देता है उसके बेसिस पे एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एवेल्यूएट की जाएगी। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, मान लो कि इतनी कॉस्ट आपको क्या करनी है, इंकर करनी है, अगर आप क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट दोगे तो उस केसेस में क्या होंगे, हम आपको क्या करेंगे, पर्टिकुलर यहाँ पे ट्रैवल पैकेज देंगे, इतना रिवार्ड देंगे, इतना इंसेंटिव देंगे, तो एक तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पे आपको प्रमोशन ट्रांसफर ये भी मिल रहा है। अगर आप रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करोगे, ठीक है, प्रोडक्ट को डैमेज नहीं करोगे, तो और आप कोऑर्डिनेशन बना के रखोगे वर्कर के साथ, तो जिससे हमें पता है कि एक तरीके से बिजनेस में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल भी जल्दी से अचीव होंगे, तो अपने आप ही क्या होगा, मॉनेटरी बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे। तो दिस इज असर्टेन बाय एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिटेनिंग द एम्प्लॉय एंड द बेनिफिट एन ऑर्गेनाइजेशन डेराइव्स फ्रॉम हिम और हर, तो इसका मतलब एम्प्लॉय को रखने की वजह से जो उसकी सिलेक्शन ट्रेनिंग ये सारी कॉस्ट लगी और एक तरीके से जो उसने ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए जो भी काम किया उससे जो बेनिफिट हुआ, अगर बेनिफिट ज़्यादा है और कॉस्ट कम है तो हम क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर बेनिफिट कम है और कॉस्ट ज़्यादा लगी उसको रखने से तो हम क्या बोलेंगे, परफॉर्मेंस सही नहीं है, या तो उसका डिमोशन कर दो या उसको हटा दो, ठीक। तो ये बोल रहा है कि जब भी हम परफॉर्मेंस देखते हैं इस मेथड के हिसाब से तो कुछ फैक्टर्स हैं
जो कंसिडरेशन में लेने चाहिए, यूनिट वाइज एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन और सर्विसेज, इसका मतलब क्या हुआ, कॉस्ट पर यूनिट एक तरीके से बोल दिया, तो मेरे हिसाब से एवरेज वैल्यू नहीं, नहीं ये कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ये मान के चल लो कि एक तरीके से सेलिंग प्राइस पर यूनिट होगा, ये मान के चल लो, पर यहाँ वैल्यू दे रखी है तो मैं यहाँ पे इसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट के हिसाब से मान लूँगा। अगर आपको बोल दिया यूनिट वाइज एवरेज कॉस्ट, तो हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट पर यूनिट जो भी गुड्स की निकली है या सर्विसेज की निकली है, जो भी सर्विसेज दी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस और सर्विस रेंडर्ड वो अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ही आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल में इंसेंटिव रिवॉर्ड ट्रांसफर मिलेगा। ओवरहेड कॉस्ट इनकर, कितनी ओवरहेड कॉस्ट लगी है, मतलब इनडायरेक्ट जो भी कॉस्ट होती है, जो फैक्ट्री से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी है, इनडायरेक्ट मेटल की, इनडायरेक्ट लेबर की, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की, वो कितनी लगी है, कम तो नहीं लगी, वो सॉरी ज़्यादा तो नहीं लगी, कम लगनी चाहिए। एक्सीडेंट, डैमेज, एरर, स्पॉयलेज, वेस्टेज, कोस्ट थ्रो, अनयूजल, वियर एंड टियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मशीन को, उस प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा, सही ढंग से संभालना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा वेस्टेज करते हो तो उस केस में क्या बोलेंगे, कॉस्ट तो ज़्यादा लगा दी आपने और इतने ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट डराइव नहीं हुए, तो आपको हटा दिया जा सकता है। ह्यूमन रिलेशनशिप विद अदर, कॉस्ट ऑफ द टाइम सुपरवाइजर स्पेंड इन अप्रेजिंग द एम्प्लॉय, इसी तरीके से फैक्टर में ये भी देखा जाता है कि सुपरवाइजर कितना एक तरीके से एम्प्लॉय को देखता है या चेक करता है। अब देखो लिमिटेशन दे रखी है किसकी, परफॉर्मेंस अप्रेजल की, इसको सही कर दूंगा मैं, लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका आता रहता है, 10 मिनट का पार्ट है, इससे ज़्यादा जनरली ये पार्ट नहीं होगा, ठीक है। देखिए इसको आपको वैसे देखना, याद रखना कि जब भी रेटर क्या कर रहा है, बायसनेस रख रहा है, जब भी रेटर क्या कर रहा है, एम्प्लॉय को रेट कर रहा है तो बायसनेस रख रहा है, तो बहुत सारी लिमिटेशन दे रखी है। तो बोला सम फैक्टर आर फाउंड टू बी डिस्टॉर्टिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो जो परफॉर्मेंस अप्रेजल को एक तरीके से क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस को खराब कर देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं, ये बोल रहा है, सच फैक्टर दैट कैन डिस्टॉर्ट अप्रेजल्स आर, जो एक तरीके से अप्रेजल प्रोसेस को खराब करेंगे। तो पहला क्या है, लीनियंसी एरर, इसका मतलब देखो ये मान के चल लो कि वो लीनियंट रहता है, रेटर क्या रहता है, लीनियंट रहता है, तो वो उसके सब्जेक्टिव एवोल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो ये बोल रहा है कि अगर जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का डिस्टॉर्शन हुआ, वो अगर एवोल्यूट हुआ किसके बेसिस पे, अगर उसके खुद के वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे, ढंग से पढ़ो, इट इज़ द परफॉर्मेंस अप्रेजल डिस्टॉर्शन कॉज बाय एवोल्यूटिंग एम्प्लॉयज अगेंस्ट वंस ओन वैल्यू सिस्टम। वंस मतलब क्या हो गया, जो रेटर खुद की वैल्यू सिस्टम, मतलब खुद की माइंड के हिसाब से, खुद की सब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से क्या बोल रहा है कि नहीं यार ये चीज़ सही है, ठीक है, या एम्प्लॉय में ये चीज़ सही है, या इतना एवरेज तो काम होता ही है, थोड़ी गड़बड़ तो होती है, तो उस केस में वो हायर स्केल ही देगा। अगर आपने स्केल देखी थी ना बाहर से, मान लो तो ये लोअर है और ये हायर है, ठीक है, या आपने चेकलिस्ट भी देखी होगी, तो उसके हिसाब से आप क्या करते हो, या रैंक देखते हो, 1 से 10 देते हो, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक तरीके से आप हायर ही रैंक दे रहे हो, या आप एक तरीके से क्या कर रहे हो, हायर स्केल पे ही उसको बता रहे हो। तो आपने क्या बोला कि आप वर्क को एवरेज मान रहे हो और आप लीनियंट रह रहे हो, आप स्ट्रिक्टनेस नहीं रख रहे हो, क्या नहीं रख रहे हो, स्ट्रिक्टनेस नहीं रख रहे हो। तो इट अकर्स व्हेन ए पर्सन रिसीव इन्फ्लेटेड रेटिंग बिकॉज रेटर इज फीलिंग सिंपैथेटिक टुवर्ड्स देम फॉर व्हाटएवर रीजन, किसी भी रीजन की वजह से वो सिंपैथी आपसे फील कर रहा है, ठीक है। आपने जनरली क्या बोला, जैसे मान लो उसको बोला कि मेरे घर में कोई नहीं है, तबीयत खराब हो रही है, इस चक्कर में मैं काम नहीं कर पाया, तो वो सोचता है कि यार इसके घर में कोई भी नहीं है, कमाने वाला एक है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, हायर रेटिंग दे दूंगा। ऐसा भी होता है, तो वो लीनियंट हो जाता है कभी कभी सुपरवाइजर, तो उसको कभी भी ऐसे इमोशन विमोशन नहीं रखने चाहिए, सब्जेक्टिव अप्रोच इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, रखनी चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। साथ साथ स्ट्रिक्टनेस देखो, अब सब्जेक्टिविटी अप्रोच का मतलब क्या है, मैंने बताया मेरे को रोमांटिक मूवी पसंद है, जरूरी नहीं है पसंद है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको मैंने बताया, आपको साइंस फिक्शन पसंद है मूवी, किसी को कॉमेडी पसंद है, किसी को फाइट सीन वाली पसंद है, तो सबकी अलग अलग अप्रोच रहती है। तो वैसे ही किसी को लीनियंसी पसंद है, किसी को स्ट्रिक्टनेस पसंद है, तो ये लीनियंसी क्या है, सॉरी ये स्ट्रिक्टनेस क्या है, लीनियंसी का अपोजिट है। जब रेटर क्या करता है, लोगों को रेटिंग देता है डेट आर ओवरऑल क्रिटिकल एंड फॉल एट द लोअर एंड ऑफ द रेटिंग स्केल, इसका मतलब क्या, जो रेटिंग स्केल पे सबसे नीचे आ रही है, तो एक तरीके से वो क्या बोल रहा, अगर आपसे जरा सी मिस्टेक होगी ना एम्प्लॉय से, तो रेटर आपको जान पूछ के लो रैंक देगा नीचे वाली। सो स्मॉल मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड एज इन एक्सक्यूजेबल, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं रहेगा, तो उसे हमेशा क्या बोलेंगे, इन एक्सक्यूजेबल मिस्टेक एंड रेदर टेकिंग इनटू अकाउंट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन, वो एक जरा सी मिस्टेक बहुत गलती कर देगी, और जो एक पर्सन कोई अच्छा काम करेगा एक भी, तो उसको क्या कर देगा, हायर दे देगा, और आपको क्या दे देगा, लोअर दे देगा। द रेटर विल लुक एट ईच इंस्टेंस एंड एवेल्युएट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन डेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि रादर टेकिंग इनटू अकाउंट द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ए पर्सन, द रेटर विल लुक एट ईच इंस्टेंट एंड एवोल्यूट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन डेट, तो वो सारे क्या देखेगा, इंसिडेंट्स देखेगा, और उसके बेसिस पे वो क्या करेगा, पर्टिकुलर कर लेगा अप्रोच।
वैसे एक इवेंट नहीं देखेगा, वो सारे देखेगा। एक इवेंट तो जनरली किस में आता है, अभी आएगा, हालो और हॉर्न इफेक्ट में। हालो जनरली क्या होता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट से रिलेटेड होता है। हॉर्न किससे रिलेटेड होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट से रिलेटेड होता है, याद रखना। ये एग्जाम में खूब बार आ चुका है तो ये हमें ज़रूर कवर करना है। देखिए हालो इफेक्ट का तो मतलब क्या हो गया कि आप पूरे साल जैसे जनरली काम कर रहे हो, लेकिन आप क्या करते हो, खूब बार एबसेंट रहते हो, तब भी आपको सुपरवाइजर कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, क्योंकि आपका उससे एक तरीके से अच्छा रिलेशनशिप है। ये मान के चल लो आप रिलेटिव हो, ये भी हो सकता है, या उसको सुपरवाइजर को क्या लगता है कि आप हो तो यार अच्छी बात है, होना चाहिए। तो आप एबसेंट भी रहते हो ना, तो आपने कभी कभी देखा होगा कुछ एम्प्लॉय एबसेंट भी रहते हैं, सुपरवाइजर कुछ नहीं बोलता। तो वह एक तरीके से किसको फॉलो कर रहा है, हालो इफेक्ट को फॉलो कर रहा है। और उसमें वो क्या कर रहा है, अगर आप एबसेंट भी रह रहे हो और आप काम भी क्या कर रहे हो, देखो मान लो कि आपने कोई एक अच्छा काम भी कर लिया, अगर आपने एक भी अच्छा काम कर दिया तो ओवरऑल आपको एक तरीके से लाइक करने लग जाएगा, और उस केस में क्या होगा, आपको वो हाई रेटिंग देगा। क्या देगा, हाई रेटिंग। तो व्हेन ए मैनेजर रेट्स एन एम्प्लॉय हाई ऑन ऑल आइटम बिकॉज ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक दैट ही और शी लाइक्स, अगर उसमें आपको एक खासियत पसंद है, उसके बेसिस पे अगर आप 10 गलतियां भी करोगे वो भी माफ़ है। तो ये बोल रहा है कि सपोज करो एक वर्कर क्या होता है, हैज़ ए फ्यू एब्सेंसेज, इसका मतलब क्या रहता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में आता नहीं है, खूब सारी छुट्टी कर लेता है ये मान के चलो, बट द सुपरवाइजर हैज़ ए गुड रिलेशनशिप विद दैट एम्प्लॉय, द सुपरवाइजर माइट गिव टू द एम्प्लॉय ए हाई रेटिंग इन ऑल अदर एरिया ऑफ वर्क। तो वो क्या बोलेगा, बहुत अच्छा काम किया, क्यों, क्योंकि सुपरवाइजर को एम्प्लॉय पसंद है। तो यहाँ पे बोल दिया कि एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट बन गया, चाहे आपने बाद में कुछ भी किया हो 10 कामों में। और हालो इफेक्ट एक तरीके से आपने देख लिया, तो हॉर्न इफेक्ट क्या है, हालो इफेक्ट का अपोजिट है। इसमें जनरली क्या देखा जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या करा, एक साल में 10 महीने 11 महीने अच्छा काम किया, 12वें महीने जैसे आया उसमें आपने कुछ गड़बड़ कर दी, और उसको वही उम्मीद थी सुपरवाइजर को कि एक गलती करे इसको मैं रेटिंग कम दे दूंगा, तो वो आपको शुरू से ही नापसंद नहीं करता। तो यहाँ पे एक तरीके से क्या बोल दिया, हॉर्न इफेक्ट अकर व्हेन ए मैनेजर रेट्स एन एम्प्लॉय लो ऑन ऑल आइटम बिकॉज ऑफ वन कैरेक्टरिस्टिक दैट ही और शी डिसलाइक। सपोज करो कि आप बहुत गंदे गंदे जोक मारते हो तो सुपरवाइजर को पसंद नहीं है। तो बोला इफ ए वर्कर परफॉर्म वेल बट ए सर्टेन टाइम्स ही और शी लव्स टेलिंग जॉक बट हिज और हर सुपरवाइजर डिसलाइक जॉक, लेकिन आपके जो सुपरवाइजर वो क्या करता है, जोक्स पसंद नहीं करता। तो आप तो गंदे जोक मार रहे हो या कैसे भी जोक मार रहे हो, लेकिन वो सुपरवाइजर पसंद नहीं कर रहा, तो उसी के बेसिस पे आपको क्या करेगा, वो लो रेटिंग दे देगा। तो आपने ओवरऑल अच्छा काम किया लेकिन एक डिसलाइकिंग के बेसिस पर आपको लो रेटिंग मिल गई, तो वो क्या हो गया, हॉर्न इफेक्ट। ये एग्जाम में आ जाता है कि जब आपको बोलता है कि एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बेसिस पे या एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर जब आपको एक तरीके से क्या लोअर रेटिंग दे दी जाती है पूरे ओवरऑल पार्ट में, तो वो क्या होती है, वो क्या हो गई, हॉर्न इफेक्ट हो गया। आपको अगर हायर रेटिंग दे दी जाती है तो वो क्या हो गई, हालो। ठीक, अगर आपको नॉर्मल भी पूछ ले तब भी हालो होता है। अभी मैं आपको जब पास्चर के एमसीक्यूज कवर कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हॉर्न कभी कभी नहीं आता तब वो हालो ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे याद रखना ये पॉजिटिव, जब दोनों आ जाए ऑप्शन तो ये पॉजिटिव पॉइंट में, और ये हॉर्न क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखा जाएगा। फिर आपको दे रखा है सिमिलरिटी एरर। देखो सिमिलरिटी एरर का मतलब क्या होता है कि जैसे एक सुपरवाइजर जैसे खुद काम करता है ना, वो क्या सोचता है कि दूसरा एम्प्लॉय भी सेम काम करे। अगर वो सेम दूसरा एम्प्लॉय सेम काम कर रहा है तो उसको हायर रेटिंग दी जाएगी, और अगर कोई दूसरा एम्प्लॉय, मान लो कि दो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय तो सेम टू सेम क्या है, सुपरवाइजर की तरह ही काम करता है या उसकी तरह ही सेम दिखता है, सुपरवाइजर को एक तरीके से क्या लगता है कि यार मेरी तरह ही काम कर रहा है, तो सिमिलरिटी लग रही है तो वो उसको हाई रेटिंग दे देगा। और दूसरा वर्कर भी काम कर रहा है, अच्छा काम किया, लेकिन सिमिलरिटी नहीं दिख रही, उसकी अप्रोच अलग है वर्क की, तो उस केस में उसको लोअर रेटिंग दे दी। तो यहाँ पे एक तरीके से हो गया सिमिलरिटी एरर या बायस हो गया, कि सुपरवाइजर क्या कर रहा है, एक तरीके से वो सोच रहा है कि मेरी तरह जो सेल्फ परसेप्शन वाला आदमी है, जो मेरी तरह सोच रहा है, तो उसको ऐसा लग रहा है किसको, सुपरवाइजर को, कि ये मेरी तरह काम करता है। व्हेन एवोल्यूटर रेट अदर पीपल इन द सेम वे दैट द एवोल्यूटर्स परसीव देमसेल्व्स, दे मेक ए सिमिलरिटी एरर, दैट मीन्स दे प्रोजेक्ट सेल्फ परसेप्शन ऑन टू अदर। ठीक है, तो एक तरीके का सोचते हैं कि जो मैं हूँ सेम टू सेम वो भी वैसा ही है, सेम वही वर्क कर रहा है, तो उस केस में आपकी परसेप्शन क्या है उसके लिए बनी हुई है कि वो सेम आपके जैसा है, तो उस केस में आप उसको हाई रेट करोगे। दिस एरर कैन बी वॉश्ड आउट इफ सेम रेटर अप्रेजेज ऑल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो एरर है कब दूर हो सकता है, जब सबको आप इक्वल सोचोगे और इक्वल परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही क्या करोगे, आप रेट करोगे। फिर सेंट्रल टेंडेंसी इसमें बोल रहा है कि देखो जनरली क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी रेटर है एवरेज रेटिंग दे देता है, क्या दे देता है, एवरेज। तो जैसे मैंने बोल दिया कि 5 में से आपको क्या दे दी रेटिंग, 2.5 दे दी, 3 दे दी, तो ना 1 दी ना 5 दी, ना लोएस्ट दी ना हाइस्ट दी, तो आपको बीच की रेटिंग दे दी, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी एरर। तो उसमें तो क्या बोलेंगे, ना पर्सन क्या है, अच्छा है ना बुरा है, एवरेज है, क्या है, एवरेज। तो सेंट्रल टेंडेंसी अकर्स व्हेन ए रेटर रिफ्यूजेस टू यूज द टू एक्सट्रीम, इसका मतलब ना तो वो लोएस्ट चुन रहा है
ना वो हाईएस्ट एक्सट्रीम चुन रहा है, तो उस केस में क्या कर रहा है, वो एवरेज चुन रहा है। इन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर परफॉर्मेंस, ये देखिए इसमें क्या बोल रहा है, देखिए इसमें ये बोल रहा है कि इट इज़ द अनयूजुअल जॉब दैट हैज़ एन एब्सोल्युटली क्लियर परफॉर्मेंस डेफिनेशन एंड डायरेक्ट मेजर्स फॉर अप्रेजिंग द इंक्यूमेंट। तो इसका मतलब, इंक्यूमेंट का मतलब होता है कि जो जॉब पे एक तरीके से एम्प्लॉय की बात कर रहा है, तो बोल रहा है कि एम्प्लॉय को अप्रेज करने के लिए ऐसा कोई डायरेक्ट मेजर होता है क्या, या ऐसा कोई क्लियर परफॉर्मेंस डेफिनेशन होती है क्या? तो यहाँ पे बोल दिया कि इन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर परफॉर्मेंस, तो जो पर्टिकुलर हमने परफॉर्मेंस डेफिनेशन बना रखी है, डायरेक्ट मेजर्स बना रखे हैं, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और दूसरे पार्ट को फॉलो कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है, रेटर। तो रेटर एक तरीके से क्या कर रहा है, बायसनेस रख रहा है। इट इज़ द अनयूजुअल जॉब दैट हैज़ एन एब्सोल्युटली क्लियर परफॉर्मेंस डेफिनेशन एंड डायरेक्ट मेजर्स फॉर अप्रेजिंग द इंक्यूमेंट। तो इस केस में क्या हो गया, कोई डायरेक्ट मेजर नहीं अपना रहा वो, ठीक है, और कोई भी एब्सोल्युटली क्लियर परफॉर्मेंस नहीं रख रहा, क्योंकि ये अनयूजुअल जॉब हो गया एक तरीके से। इसका मतलब वो इन अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट तरीके अपना रहा है, जो भी उसने क्लियर परफॉर्मेंस डेफिनेशन बता रखी थी और डायरेक्ट मेजर बता रहा था, उसकी जगह हटके कोई दूसरे सब्स्टिट्यूट ले रहा है। तो इस केस में तो हम यही बोलेंगे रेटर क्या कर रहा है, बायस रख रहा है, कि जो उसने स्टैंडर्ड बोले थे परफॉर्मेंस के, उसके बाद क्या हो गया, वो खुद ही मुकर गया और बोल दिया कि नहीं, अब मेरे हिसाब से जो होगा वो होगा। तो ऐसे फिर तो क्या हो गया, सुपरवाइजर अपनी क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। फिर आपको दे रखा है स्पिल ओवर इफेक्ट। यहाँ पे देखो, जो स्पिल ओवर इफेक्ट का मतलब क्या हो गया, अगर आपने पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छी की है तो ये माना जाएगा कि आप प्रेजेंट में भी अच्छे हो। तो ये बोला द पर्सन हु वाज अ गुड परफॉर्मर इन द डिस्टेंट पास्ट इज एश्योर टू बी ओके एट प्रेजेंट आल्सो। तो अगर आपने पास्ट में अच्छी परफॉर्मेंस कर ली, परफॉर्मेंस अच्छी करके दिखा दी, जो भी गोल्स थे वो अचीव करके दिखा लिए, तो ये माना जाएगा कि प्रेजेंट में भी आप अच्छे हो। लेकिन क्या पता प्रेजेंट में आपने अच्छा काम नहीं किया, तो ये गलत हो गया, तब भी आपको रेटिंग हाई मिल जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट। रिसेंसी इफेक्ट, रिसेंसी मतलब क्या, रिसेंट, ठीक है। तो आपका जो रिसेंट बिहेवियर अगर अच्छा था, तो उससे इन्फ्लुएंस होके, चाहे पास्ट में आपका कैसे भी बिहेवियर हो, और यहाँ पे जब आपका क्या, अप्रेजल पीरियड के दौरान जो भी आपने डेमोन्स्ट्रेट किया, तो अगर आपने वो गंदा बिहेवियर भी किया, तब भी क्या हो रहा है, जो रेटर है एक तरीके से क्या सोच रहा है, यार पास्ट में इसने अभी रिसेंट बिहेवियर बहुत मुझसे अच्छा किया, तो ये अच्छा ही पर्सन होगा। तो रीसेंट बिहेवियर को देखते हुए आपको हाई रेटिंग दे दी। तो बोला रेटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोस्ट रीसेंट बिहेवियर इग्नोरिंग द कॉमनली डेमोन्स्ट्रेटेड बिहेवियर ड्यूरिंग द एंटायर अप्रेजल पीरियड। उसको इग्नोर करा और रीसेंट के बिहेवियर को देखा। प्राइमसी, प्राइमरी मतलब पहली नज़र का प्यार। इसका मतलब क्या हो गया, पहली नज़र में जैसे ही मैनेजर ने आपको देखा और उस केस में बोला कि यार कितना सही है पर्सन, ठीक, ये कितना अच्छा बिहेव कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, उसके बाद आप चाहे कैसा भी काम करो, कचरा कर दो, तब भी आपको रेटिंग हाई मिल जाएगी, हो गया प्राइमसी। फिर आपको दे रखा है कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। क्या दे रखा है, कॉन्ट्रास्ट। देखिए, आपने कई जगह आपने देखा भी होगा कि पर्टिकुलर एक है ना, नया सेल्समैन आता है और दूसरा सेल्समैन पुराना चले जाता है। तो सेल्समैन क्या है, अगर कुछ सही काम नहीं कर रहा होता तो ओनर को अखर रहा होता, बोलता है इससे अच्छा तो पुराना सेल्समैन था, वो देख कितना सही काम करता था। तो उसको रेट क्या कर रहा है, पुराने सेल्समैन के बेसिस पे कर रहा है। तो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट में क्या होता है, इट टेंड टू अकर व्हेन रेटर्स एवल्यूट ए पर्सन बाय कंपेयरिंग देम टू ए प्रीवियस पर्सन जो कि सेम पोजीशन पे था, ठीक है। तो जैसे अगर आप अकाउंटेंट बने, उससे पहले कोई अकाउंटेंट था प्रीवियस, अगर आप सही काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो ओनर है उसका इम्पैक्ट क्या बना, यार प्रीवियस वाला बहुत अच्छा करता था, तो वो उसको क्या बोलेगा, यार आप सही काम नहीं कर रहे हो, वो आपको बार बार टोकता रहेगा, वो आपको रेट करेगा किस वे में, नेगेटिव वे में। लेकिन आप मान लो कि आप भी अच्छा काम कर रहे हो, उससे बेटर ही काम करा और प्रीवियस वाले से आपने अच्छा कर दिया, तो उस केस में क्या बोलेगा, वो आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट को देखेगा। तो ये बोला दिस इफेक्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द पर्सन हु प्रीवियसली हेल्ड द पोजीशन। तो जब वो एक स्टैंडर्ड तय कर लेगा, तो किसके बेसिस पे कर लेगा, पिछले वाले पोजीशन के बेसिस पे, कि आप वहाँ तक लेके आओ, ठीक है। तो उस केस में क्या बोलेंगे, वो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है, कि सेम पोजीशन में जो पिछला पर्सन काम कर रहा था, अभी भी सेम पर्सन अगर वैसा ही काम करेगा तो उसको मैं हाई रेटिंग दूंगा, नहीं करेगा तो लोअर रेटिंग दूंगा। जबकि वो भी अच्छा काम कर रहा है, फिर भी आपको क्या मिल रही है, कभी कभी लोअर रेटिंग मिल जाती है, क्योंकि पर्सन की क्या होगा एक तरीके से, क्या पता आपको देखते हुए नेगेटिव अप्रोच हो गई उस पोजीशन पे। पर्सनल बायस, देखो ये बेकार बायस होता है सबसे। ये बोल रहे हैं कि हम सब पर्सनल बायस से गिल्टी होते हैं, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, ये मान के चलो जेंडर बायस करते हैं। अगर आप देखो क्या करते हो, LGBT कम्युनिटी देख लेते हो, लेस्बियन, गे, बायोसेक्शुअल ऐसे बोलते हैं ना, अगर वो कम्युनिटी देख लेते हो, तो आप कभी कभी कई लोग क्या करते हैं, उनको देखते ही बोलते हैं, अरे यार ये कौन है, ठीक है, या कौन चिपकने आ गया पास में, जनरली ऐसे बोलते हो। तो आप एक तरीके से क्या करते हो, जाने अनजाने में क्या करते हो, गलत बिहेव कर लेते हो, ये बोल रहा है, यानी आप पर्सनल बायस रखते हो। समटाइम्स दे आर कंसाइज, समटाइम्स दे आर अनकंसाइज। पर्सनल बायसेस कैन टेक द फॉर्म ऑफ जेंडर बायस, रिलीजियस बायस। रिलीजियस बायस देखो कितना बड़ा, आजकल तो खूब ज़्यादा हो रहा है, आप देखते ही हो। तो वो पर्टिकुलर रिलीजियस बायस जनरली होता ही है, किसी की अप्रोच क्या है, जैसे मेरी क्या है, इक्वल अप्रोच है,
मैं नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देता, तभी मेरे पे ज़्यादातर आप देखोगे कि मैं पोस्ट वोस्ट नहीं करता, लेकिन कई जने क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम ये सब कुछ करेंगे, तो वो भी एक तरीके से क्या हो गया, उनका पर्सनल बायस हो गया, पर्सनल सोच हो गई, पॉलिटिकल बायस हो गया, ठीक। तो इस तरीके से बहुत सारे होते हैं, दे आर वन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ बायसेस, देखो बोली देखो उन्हें, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव नथिंग टू डू विद द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इन द वर्क प्लेस। तो एम्प्लॉय अगर वर्क पे काम कर रहा है तो वो जेंडर बायस रख रहा है, वो फीमेल को क्या समझ रहा है कि यार ये तो मेरे से कम है, वो रिलीजियस बायस रख रहा है, तो वो खुद हिंदू है, वो साथ वाले जैसे, अब मैं तो ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो ऑफेंड मत होना, तो मैं तो क्या बोलूँगा, वो मुस्लिम के साथ क्या कर रहा है, नहीं करने की कर रहा साथ में काम, या मुस्लिम हिंदू के साथ नहीं करने की कर रहा। पॉलिटिकल अगर आपका क्या अलग अलग है, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है, तो उसमें भी क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे इसकी वजह से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो सुपरवाइज़र है ना, उस हिसाब से क्या कर सकता है, रेटर को कम भी दे सकता है मार्क और ज़्यादा भी दे सकता है। अगर सेम सेम अप्रोच वाले पर्सन है, अगर कास्ट सेम है तो क्या पता हायर रेटिंग दे रहा हो, और कास्ट सेम नहीं है तो क्या कर रहा है, लोअर रेटिंग दे रहा हो, उसमें परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं, उसे बोलते हैं फेवरिज्म। तो देखो मैंने यहाँ पर्सनल बायस लिखा है, लेकिन उसमें क्या है, एग्जाम में एक बार लिखाया था रेटर बायस, क्या लिखाया था, रेटर बायस। देखो ये सारे रेटर के बायस ही हैं, पहली बात तो ये जितने भी पढ़ रहे हो ना, सारे रेटर के बायस ही है, जो लिमिटेशन दे रखी है ना, ये सारे क्या है, स्ट्रिक्टनेस एरर बोलो या स्ट्रिक्टनेस बायस बोलो, हालो एरर बोलो या हालो इफेक्ट बोलो या हालो बायस बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे रेटर क्या कर रहा है, बायस रख रहा है, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे पर्सनल लिख दिया, मैंने रेटर नहीं लिखा, क्योंकि रेटर सारे पार्ट हैं, तो यहाँ रखना यहाँ आएगा। जैसे अपन बोलते हैं ना स्टीरियोटाइप होते हो आप, स्टीरियोटाइप मतलब क्या हो गया, पुरानी सोच वाले, रूढ़िवादी सोच, कंजर्वेटिव अप्रोच रहती है आपकी, तो उस टाइप के पर्सन हो, फेवरिज्म रख रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल बायस बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं, रेटर बायस भी बोल देते हैं, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है पार्ट, ठीक है। तो आपके ये सारे पार्ट हो गए हैं, अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, जो मेरे पिछले क्वेश्चंस भी रहे हैं और ये वाले क्वेश्चंस भी रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो दोनों मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको ये पर्टिकुलर पूरा पार्ट समझ में आया होगा, वीडियो लेंथी बन जाती है लेकिन मुझे करवाना पड़ता है पर्टिकुलर पार्ट, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।